हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्ट्रीम। थैंक्स फॉर जॉइनिंग। हाय अर्नब भाई, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। हेलो योगेश भाई, मैं अच्छा हूँ, आप बताओ आप कैसे हैं। योगेश भाई बहुत दिन हुए, कल आया था पर वो आपको पता है फिर वो पावर कट हो गया और फिर मुझे निकलना ही पड़ा। सॉरी इतना दिन ज्वाइन नहीं किया। अरे नहीं नहीं अर्नब भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैंने इतने दिन स्ट्रीम भी नहीं किया था। कल बहुत दिनों बाद स्ट्रीमिंग का मतलब मैंने प्लान किया और फिर स्ट्रीम करने बैठा तो करंट चला गया था, तो कुल मिला के आज ही मिल रहे हैं लास्ट स्ट्रीम के बाद। तो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम एग्ज़ाम थी, कैसी गई आपके एग्ज़ाम? ऐसे बताओ कैसे रहे पेपर्स आपके। हेलो शुभम भाई, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। यार क्या हाल है चाचा, काफ़ी बिजी लग रहे हो TS में आजकल, क्या बात है शुभम भाई। TS की बात है या कुछ और बात भी चल रही है? प्रिशा के? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल योगेश भाई, देखो प्रिशा के दीवाने आ गए हैं, प्रिशा के दीवाने आजकल काफ़ी बिजी हो गए। पता नहीं प्रिशा मिल भी गई होगी, क्या पता। हाँ भाई अब क्या मतलब, समझा नहीं शुभम भाई, क्या मतलब प्रिशा मिल गई? क्या बात है शुभम भाई, चुपे रुस्तम निकले आप तो। आप एक बार दार्जिलिंग? हाँ हाँ वो बहुत पहले था, शायद 2 हफ्ते पहले किया था अर्नब भाई मैंने दार्जिलिंग रूट। वो उसी दिन डाउनलोड किया, मतलब रहा नहीं गया, सोचा कि आप सभी से शेयर कर दूँ, इसीलिए मैंने वो स्ट्रीम तुरंत ही ऐसे मतलब शेड्यूल किया था। प्लान नहीं था वो स्ट्रीम, वैसे वैसे आज का स्ट्रीम भी प्लान नहीं था, क्योंकि यार कल मैंने बहुत प्लान से पूरा मतलब रेडी करके रखा था, तो भाई बहुत बुरा लगा यार सही में। मतलब पूरा रेडी होके बैठा हूँ और सीधा सीधा ये लोग पावर काट देते, बताओ आप एक बार। उनके कहने का मतलब आगे? अच्छा, वैसे ओके ओके योगेश भाई सब। वैसे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, जिस किसी को भी अगर TSW 2 या फिर ट्रेन सिमुलेटर ख़रीदना है ना भाई लोग, मौका अच्छा है, मौके का चौका मार दो। TS 2 मिल रहा है 150 में, TS और ये ट्रेन सिमुलेटर मिल रहा है 250 में, सबसे लीस्ट प्राइस में मिल रहा है इस टाइम पर। ऐसे मौका मिस ना करो, अगर किसी को लेना हो ना तो स्टीम वर्शन उठा लो, बहुत सही मौका है आपके पास, ठीक है। और 90% सेल पे यार, TSW 2 तो 90% सेल पे चल रहा है आज, 90 या 80, अच्छा 80% सेल पे है। देख लो जिसको भी ख़रीदना है ना तो छोड़ना मत, बहुत सही मौका है, उठा लो इस पर। 150 में अब क्या ही मिलने वाला है बताओ यार, 150 का बेच रहे हैं वो आजकल। मैंने तो शुभम भाई को भी बोला था उठाओ आप TSW 2, क्यों शुभम भाई बोला ना मैंने आपको? और हाँ जिसको भी उठाना है ना भाई, बहुत सही मौका है, उठाओ सही में ऐसा मौका। अब क्या पता अब अगली बार कब आए, और आज आप देख पा रहे हो कुछ एडिशन हुए हैं इसमें, बता देना जिसको भी है। रेलवर्क्स मिल रहा है योगेश भाई, रेलवर्क्स 250 का मिल रहा है, 100 रुपये ज़्यादा है। अब क्या है ना, रेलवर्क्स के लोग ज़्यादा है, फैन बेस ज़्यादा है, तो प्राइस भी ज़्यादा रखेंगे ना थोड़ा, काफ़ी एस्टैब्लिश्ड गेम है रेलवर्क्स। सर बेटी ये देख लो अपना सर्विस रेडी, ये क्या है ज़रा मुझे बता दो कोई भी, ये जो एक्स्ट्रा डायलॉग बॉक्स दिख रहा है, मैं बिगिन सर्विस दे रहा हूँ। हाई LPR रिजाइन, ठीक है ओके, पंक्चुअलिटी है इसकी। 1340 पे निकलना है, यानी 3 मिनट में निकलना है यहाँ से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके थैंक यू। चलो थोड़ा कपलिंग कर ही लेते हैं यार, ये कपलिंग इसीलिए करना पड़ रहा है मुझे क्योंकि मैंने इसके लो को बदल दिया है। ये जो दिख रहा है आपको ये रोड वाले मेरे रिपेंट्स ही हैं। चलो हो गया लगता है शायद कपलिंग, जी हाँ अपना कपलिंग रहा है सक्सेसफुल। अभी थोड़ा मार्कर वार्कर ऑन कर ही लेते हैं, नहीं ये गॉज लाइट फ्रंट वाइट मार्कर है, कोई गाड़ी जा रही है उस साइड से। ये ऑन किए मार्कर, अब कंट्रोल इक्वल टू करके इस कैब के ये वाले, अब वापस कंट्रोल इक्वल टू आ गए कैब में। अरे मेरा कोई ले लो पैसे, ले लेना मेरे से फर्स्ट तारीख के बाद, मतलब समझा नहीं मैं योगेश भाई, क्या सब क्या बोल रहे हो आप, मैं समझा नहीं यार ठीक से। वैसे कोरोन भाई हेलो यार, वेलकम वेलकम, थैंक्स फॉर जॉइनिंग।
वैसे आज ही इस रूट का अपडेट भी आया लगता है, ये देखो पूरा अलग लग रहा है चेन्नई, शायद इन्होंने ग्राउंड टेक्सचर्स में कुछ बदलाव लाए हैं। ये वैसे रूट है बाय मिस्टर जेरिन जॉर्ज, तो शायद मुझे लगता है ना कुछ अपडेट है इसमें आज, क्योंकि चेन्नई मुझे अलग लग रहा है देखने में, देखो काफ़ी अलग लग रहा है यार चेन्नई, ऐसे तो बिल्कुल नहीं था। आप अगर कल वाले स्ट्रीम पे आए होंगे तो आपको पता चल ही गया होगा, ये कुछ बदला बदला सा लग रहा है। और ये देखो लोको शेड में खड़े हैं दो इरोड, और ये एक्चुअली ये था लिंक में, ठीक है, पर मैंने सोचा यार चलो एल को बहुत दिन हो गया, अब एल को चला लेते हैं आज, तो इसलिए मैंने बदल दिया एल को। पर इस गाड़ी के अलग लिंक है वो VAP7 इरोड, और अगर गाड़ी नहीं पता हो ना तो ये रही वाइगाई सुपर फास्ट एक्सप्रेस, टी बोर्ड्स भी बना दिए मैंने। आप एक बार कल स्ट्रीम करे थे, फिर तो भाई जॉन नहीं कर पाया, उसके बाद मुझे लगा कि क्या नोटिफिकेशन होगा, तब आपका चैनल चेक किया, तो सब कुछ है। थैंक यू अर्नब भाई। हाँ कल मैंने स्ट्रीम किया था पर वो मेरे कुछ इश्यूज थे इधर पावर के, तो मुझे पहले उसको ख़त्म करना पड़ा, तो मैं ठीक से आज ही आया हूँ वैसे स्ट्रीमिंग के लिए इतने दिनों बाद। ये देख लो एक नया बिल्डिंग भी ऐड हुआ इधर, शौचालय, ये नया एसेट वैसे। और ये कुछ चर्च है इधर, फिर इसके बाद ये एक और बिल्डिंग है इधर। यार अपडेट आया इस रूट का आज, जिसने भी लिया हो ना, ये रहा आज की गाड़ी का नाम, ये है देख लो, टी बोर्ड्स भी बना दिए यार मैंने इसके। कल मैं पूरा तैयारी करके बैठा था पर अब क्या कर सकते हैं यार बताओ। चलो 1840 हो गया, डिपार्ट कर ही लेते हैं हम लोग एक हॉन्ग के साथ। वो मैंने ये तो किया ही नहीं, अरे अरे गलती कर दी मैंने, पहले बोलना था, मैंने स्टार्ट कर लिया था। कैसे हो भाई, सब सभी मस्त भाई, कुरान भाई आप बताओ, मेरे लिए ले लो रेलवर्क्स। अच्छा आपके पास नहीं है क्या योगेश भाई रेलवर्क्स? यार ये चल क्यों नहीं रहा, रुक क्यों गए ये? ओके सैलरी में पे कर दूंगा। अरे आप आराम से ले लो, सेल अभी जनवरी 9 तक है, दिक्कत नहीं, आराम से ले लो, टाइम है अभी, बहुत दिनों बाद एग्ज़ाम से छुट्टी मिल। अरे कोरोन भाई आप तो जानते हो ना एग्ज़ाम का क्या सीन है अभी, आप तो पूरा जानते हो यार। आप एक बार कल सीम, ओके ये मैंने चेक किया सब कुछ, हाँ, थैंक यू अर्नब भाई। हाँ वो कल मैंने किया था और आपको पता ही, अभी बोला मैंने क्या हुआ था कल, ठीक है। वरना बोलो, आई एम नॉट मैसेजिंग यू नोइंगली बिकॉज यू गेटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड आई डोंट वॉन्ट ना रूइन योर फ्री टाइम। अरे अरे कोरोन भाई ऐसे कुछ नहीं है, आप सीधा टेक्स्ट कर दो, आपके पास व्हाट्सएप है यार, सीधा टेक्स्ट कर दो यार, मैं कर ही लेता हूँ मैसेज, ऐसे फ्री टाइम वी टाइम कुछ नहीं रहता है। अब बताओ सेवा में हाजिर होंगे और क्या, वरना बोलोगे बात नहीं। अरे कोरोन भाई आप ऐसे मत सोचो यार, सीधा टेक्स्ट कर दो, फ्री रहूँगा ना तो मैं ज़रूर आपको मैसेज करूँगा वापस। वैसे कब तक ऐसे योगेश भाई? ये है जनवरी 9 तक, जन 9 तक आप आराम से उठा लो, कोई अर्जेंसी नहीं है, ठीक है, जनवरी 9 तक का टाइम है आपके पास, उठा लो, 250 में मिल रहा है वैसे वो, ठीक है आप उठा सकते हो, मेरे पास पीसी। अरे बाप रे, वैसे योगेश भाई आप बोल रहे थे ना पीसी का, क्या हुआ फिर वो, आप पीसी लेने वाले थे ना, उसका क्या हुआ वापस से? यार ये थोड़ा सा ना चेंजेस कर लेता हूँ, कंपास नहीं चाहिए मुझे, ट्रैक मॉनिटर ये रहा, नहीं चाहिए भाई ट्रैक मॉनिटर भी, हम ऐसे ही चला लेंगे काम। एक बार चेक करते हैं कि कहीं आगे सिग्नल विग्नल तो नहीं है। यार ये दोनों लोग को ना रो रहे हैं आज, ओ इसमें डायनामिक भी है ना, अभी याद आया यार, लोगों ने रो रहे हैं, ये गलत चला रहा हूँ, पहले ही भात्री जी ने बोला है
कि यार टाइम पे चलाओ और हम इधर ही डिले हो गए 3 मिनट। चलो कवर अप कर ही लेंगे हम लोग। ये क्या लिखा है? अच्छा 2S, ये देख लो यार, बोर्ड्स कैसे लगे ज़रूर बताना। बाकी ये रेक रियल रियल इसमें से ही लिया है मैंने। मेरे घर में कुकर फट गया था, मम्मी बच गई सो कैंसिल लूँगा अब। अरे कैसे योगेश भाई, क्या हुआ था? कुकर कैसे फटा यार? ठीक है आपकी मम्मी? कुछ चोट वोट तो नहीं लगी ना उन्हें? यार ज़रा संभाल के यार, कुकर उकर फटा तो क्या मतलब। योगेश भाई ठीक है ना? वो कुछ ज़्यादा मतलब ये चोट वोट नहीं लगी है ना? आप आराम से ले लेना यार, क्या मतलब आराम से ले लो आप पीसी। तब तक हम लोग है, आप हमारे स्ट्रीम में आओ, जैसे आपको चाहिए वैसे चला लेंगे। वही वही कोरोन भाई, वही तो एक बार पूछो, मैं भी वही पूछ रहा हूँ। योगेश भाई ठीक है ना सब कुछ? पता नहीं कैसे फट गया कब। अच्छा मम्मी सेफ? अरे वो ठीक है यार, मम्मी सेफ है तो काफ़ी है। कुकर का देखो यार, मतलब कुछ दिक्कत होगी, अगली बार ऐसे ना हो, ऐसे मतलब थोड़ा केयर वेयर ले लेना ठीक है। अब बोल नहीं सकते यार, चीज़ों का क्या ही बताएं हम लोग, आप ही बोलो। ये कोई ट्रेन आ रही है क्या? हाँ वो आ रही है शायद, ये रहे WAG-7 के साथ। कुरान भाई आपका प्यारा लोको आ रहा है देखो सामने, बारबी डॉल। पता नहीं कैसे फट गया। अरे बाहर आ गए थे मम्मी इसलिए। ओ भाई बहुत क्लोज है ये, अगली बार जरा भाई संभाल के। योगेश भाई मतलब कुछ तो पता चल ही गया होगा ना आपको, क्यों फटा है, क्या सीन है उसके साथ। गोंडा शेड का WG-7, KJM का लोको, बाकी ये रहा। अरे स्पीड हो गया क्या? चलो थोड़ा ब्रेक ही कर लेते हैं यार, मस्त ब्रेकिंग सही रहा अपना। ये जो अंग्रेजी में आवाज सुनाई दे रहे हैं ना, ये बताओ आज कैसे लग रही है आपको आवाज? ये कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है मैंने इसमें, जरा बता दो। लगी तो नहीं कुकर? अरे अरे शुभम भाई आप भी, कुकर को नहीं लगी, कुकर फट गया शुभम भाई, कुकर फट गया पूरी तरीके से। फिर मैंने न्यू लिया चूल्हा। ओ हो, समझा समझा यार। देख यार योगेश भाई ये सही बात है, कुकर फटा, सोचो गैस वैस को कुछ नहीं हुआ, सही में यार और बड़ा डैमेज होता है। शुक्र मनाओ कि उसको कुछ नहीं हुआ, गैस सेफ है आपका, वरना और बहुत बड़ा पंगा हो जाता। लग गया भाई कुकर को, बेचारा बंद हो गया। अरे बंद नहीं, फेंक दो योगेश भाई, उसको फेंक दो, वापस सर्विस में नहीं लेना उसको, सीधा स्क्रैप में डाल दो उसे, कुकर को नया ले लो चाहे तो, वो कुकर फेंक देना बस, कुकर को वापस मत लाना सर्विस में, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी उसमें। गुंडा? अच्छा, गुंडा, ये देखो हंस रहे हैं शुभम भाई इधर। भाई शुभम भाई उनकी मम्मी बची, ये बड़ी बात है, यही मतलब खुशी वाली बात है इस सारे चीज़ में कि वो सेफ है फिलहाल। कुकर तो गया तेल लेने। आई लर्न न्यू टेक्निक कॉल्ड हील टू डाउन शिफ्ट इन कार एंड आई कैन यूज दैट विथ गुड प्रिसीजन नाउ। ओ अच्छा, ये कैसे होता है कुरन भाई, जरा समझाओ ना, जरा हमें भी समझाओ कैसे ये क्या होता है। ये क्या बोलते हैं, दो टेक्निक, हील टू डाउन शिफ्ट इन कार, रेडियो कॉम्स। हाँ कुरान भाई सही पकड़े, रेडियो कॉम ही चल रहे हैं आज, ये सॉफ्टवेयर का कमाल है देखो। अरे यार ये देखो, ये पूरा नया ऐड किया जरीन भाई ने आज, सब कुछ ये देख लो, जरीन जी ने सब कुछ ऐड किया नया। कैसे लगा रूट का अपडेट ज़रूर बताना, उनको भी हम अपडेट कर देंगे जरीन जी को। यार लैग भी कम हुआ है, FPS मस्त आ रहा है इसमें। कोई प्रिशा को बुलाओ यार। अरे प्रिशा तो है अपनी, इधर ही बैठी है प्रिशा, कहाँ भागेगी वो। शुभम भाई कहाँ चले गए? उनके दीवाने ज्यादा बोल रहे हैं। हाँ हाँ सही है सही है, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं योगेश भाई।
ज्यादा ही नहीं, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। नहीं तो अब उनका, नहीं तो अब तक होता मेरे पास पीसी। अरे कोई बात नहीं योगेश भाई, पीसी आराम से ले लेना, और भी आपको वैरायटीज मिलेंगे। सही बता रहा हूँ, जितना आप डिले करोगे ना उतना आपको वैरायटी और नए नए चीज़ें आएंगे ना यार मार्केट में। जैसे देखो, मैंने जब पिछली बार लिया था मेरा जो लैपटॉप है, अब उससे तो अच्छे अच्छे लैपटॉप्स आए हैं उसी प्राइस रेंज में। तो ये होता रहता है, लेट हुआ तो दिक्कत नहीं है, और भी अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपको। ठीक है, ऐसे मतलब कोई ये मत करना, आराम से अच्छे से ले लेना आप। ये शायद ब्रिज भी नहीं ऐड किया यार इन्होंने, क्या बात है क्या बात है। ये है अपना कुवम रिवर, रिवर तो खाली है पर ठीक है यार, यही है। देख लो कुवम रिवर से अपनी गाड़ी गुजर रही है, और ये रोड के लोकोस है। ये प्रिसाइज नहीं है रीपेंट, क्योंकि ये थोड़ा ब्लू ऊपर जाना था, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, एक और बार अच्छे से बना दूंगा। ये एक वेरिएंट है समझो आप, ठीक है ना, एक वेरिएंट है आप ऐसे समझ जाओ। ये देखो ये रोड का लोगो, ये चेंज नहीं हो सकता यार, हॉर्न्स के फाइल ही ऐसी मिली है तो उसको मैंने ऐसे ही रख दिया है। ये देखो अभी नुंगा बक्कम से क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, अभी थोड़ा रेस कर लेते हैं थ्रॉटल। गेम तो ले लूँगा मैं मंडे को। हाँ योगेश भाई, मैं क्या बोलूँगा, आप गेम अभी ले लो, मतलब मंडे या जब भी आपके पास पैसे होते हैं, सेल तो है। और आप मुझे व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट कर दो, मैं अपडेट करूँगा सेल है कि नहीं है करके। आप ले लो, इंस्टॉल बाद में कर लेना जब आपके पास पीसी हो, अभी कोई ज़रूरत नहीं है इंस्टॉल करने की, आप आराम से इंस्टॉल कर लेना उसे। ठीक है, अभी आप ले के रख लो ताकि आपके स्टीम के लाइब्रेरी में ना पड़ा रहे वो, समझ रहे हो, बाद में आप इंस्टॉल कर सकते हो उसे। क्योंकि यार ये प्राइस शायद ही आगे मिले आपको। व्हेन यू डिसेलेरेट इन कार व्हेन शिफ्टिंग गियर लाइक 3:2, यू डोंट ब्रेक विथ क्लच, कट एट पॉइंट ऑफ आरपीएम गेट्स 2K, यू लाइटली प्रेस ब्रेक विथ योर टो देन प्रेस एक्सेलरेटर विथ हील, ओके एंड क्लच, देन रिमूव फुट फ्रॉम क्लच एंड एक्सेलरेटर, ओके। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा है सुनने में, अब भाई पता नहीं क्या है, देखना पड़ेगा। अगली बार जाऊंगा ना तो बता देना, मैं करूंगा ये काम। हेलो हेलो प्रद्युमन भाई, ओके। हेलो हेलो प्रद्युमन भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, कैसे हो आप? आपके साउंड वाली वीडियो देखी, बहुत ही अच्छी बनाई है आपने वो ट्यूटोरियल। गाइस जिनको भी साउंड अगर ऐड करना है कस्टम, तो एक बार ज़रूर द इंडियन ट्रेन गेमर उनके चैनल पे जाके चेकआउट करो, बहुत ही अच्छे से समझाया उन्होंने कि गेम साउंड्स कैसे चेंज करते हैं। बहुत ही सही तरीके से समझाया, बहुत ही प्यारा वीडियो बनाया है प्रद्युमन भाई आपने, बहुत अच्छा लगा वो वीडियो मुझे सही में। मतलब साउंड्स कैसे करना है सब कुछ आपने दो पार्ट में समझाया, बहुत प्यारा है वो। ये कौन सी ट्रेन जा रही है भाई? वाहेगा, अरे क्या बात है, वाहेगा क्रॉसिंग, वाहेगा क्या बात है। ये देखो जो गाड़ी हम चला रहे हैं वो सेम गाड़ी डाउन लाइन से आ रही है, सेम टू सेम ट्रेन, एक अप एक डाउन। ये देखो इसके भी बोर्ड्स यार, ये योजी उल्टा लग गया, कोई बात नहीं, थोड़ा एक्सेलरेट करेंगे ताकि हम टाइम पिकअप कर सके। वैसे अभी तो ठीक ही है टाइम शायद अपना। ये देखो यार सारे सिग्नल्स, क्या मस्त लगता है अभी। वैसे यार एक ग्राउंड टेक्सचर शायद जरीन जी ने चेंज किए हैं तो इसीलिए मुझे बहुत अलग लग रहा है आज। ये देख लो आप, थोड़ा एसी के पास चले जाते हैं। ये जो भी साउंड्स चेंज लग रहे हैं ना आपको, ये मैंने नहीं किए हैं, ये वो सॉफ्टवेयर ने करा है जिसको मैंने इंस्टॉल किया है। ये जो सारे ग्लेयर ये सभी जो आप देख पा रहे हो ना, ये सभी उसी का कमाल है, मैंने कुछ नहीं किया है। स्टैट्स देखते हैं, देखो हम इतने स्पीड से चल रहे हैं, ये रहा अपने ओवर स्पीडिंग करने का नतीजा। ग्रेडियंट तो नहीं है भाई, ग्रेडियंट तो कुछ भी नहीं है इधर सामने, चलो अच्छा है। क्या ये डीबग? नहीं डीबग नहीं करने का अपन को। और सर्विस शीट देखते हैं क्या है आज,
वतवा नहीं सॉरी, रोड का है वो, चेंज नहीं हुआ होगा। और वैगन कार्स वो, क्योंकि मैंने दो ही लगाए थे ना इसीलिए। स्टॉप एट चेन्नई, अरे रुका नहीं था क्या मैं? अरे यार चलो कोई बात नहीं, रुकना चाहिए था उधर। अब अगला है तंबारम पे रुकना। ओके रुकेंगे, कोई बात नहीं। कितना दूर है वैसे? अरे बहुत दूर है, चल दो चलो। गाइस कैसे, ये कैसे लग रहा है ये मुझे बताओ, आज आज का एक्सपीरियंस कैसे रहा आपका सिमुलेशन का? आज लैग भी बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, अल्ट्रा लो लेटेंसी पे स्ट्रीमिंग चल रही है। कुछ तो चेंजेस किए हैं मैंने जहाँ गेम मिल रहा है उसकी वेबसाइट। योगेश भाई आप मुझे एक बार व्हाट्सएप पे ज़रूर टेक्स्ट करना, मैं आपको सारे चीज़ें समझा दूंगा, ठीक है? स्टीम पे ही मिलेगा, मैं आपको समझा दूंगा कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ। ओके आप बस बता देना मुझे एक बार व्हाट्सएप पे, एक टेक्स्ट डाल दो, मैं सब कुछ समझा दूंगा आपको। वैसे शुभम भाई भी है, आप अगर उनसे पूछना चाहते हो, किसी से भी पूछ लो, हम आपको बता देंगे कैसे क्या करना है। ये HUD RW एनहांसर का है क्या? हाँ, शुभम भाई ये RW एनहांसर का ही है, RW एनहांसर 2 का है ये सब कुछ। ये रेडियो कम्युनिकेशन जो भी है ना, ये सब भी RW एनहांसर 2 का ही है। मस्त एक्सपीरियंस ब्रो, थैंक यू प्राद्युमन भाई, थैंक्स अ लॉट। ये एक्चुअली मैंने RW एनहांसर 2 डाल के रखा है इसमें, तो आपको कुछ अलग सुनने को मिलेगा आज इसमें। ये सभी जो चीज़ें आपको नई नई दिख रही हैं सब RW एनहांसर 2 का है। बाकी अच्छी बात ये है ना, आज रूट का भी अपडेट आया है, ये देख सकते हो आप। रूट कुछ टेरेन वेरेन बदल बदल सा लगाया, सायदा पेट पहले ये खाली खाली लग रहा था, अब थोड़ा डेंसिटी ज़्यादा हो गई है रूट में, ये देख लो। कंप्रेसर की आवाज़ AC की मस्त। मैं मैगी बना रहा हूँ विथ पैरेलल वॉचिंग। क्या बात है कुरोन भाई, आपके तो मज़े हैं। मैगी लो, स्ट्रीम देखते बैठो, क्या है ना, आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हो आप लोग। मस्त एकदम, मैगी लो, स्ट्रीम देख लो, वर्चुअल जर्नी करो हमारे साथ, जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक, है ना यार? आज आज लग रहा है कि चेन्नई में ही सफ़र हो रहा है हमारा। ये देखो मतलब जो डेंसिटी दिखना है ना चेन्नई में, जो डेंस बिल्डिंग्स आपको देखने मिलेंगे, जितना भरा भरा चेन्नई है वैसे ही किया है इन्होंने यार। रूट तो आज काफ़ी सही लग रहा है इनका, बहुत मस्त लग रहा है। वैसे पहले से ही सही था, अभी और मस्त लग रहा है। ये जो भी है काफ़ी रियल लग रहा है आजकल, आज तो चलाने में मुझे सही में। कोरोन भाई तुम के मज़े हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्राद्युमन भाई, मज़े ही मज़े इनके, देखो यार क्या सही है। ये रहा क्या है गिंडी, और ये देखो यार क्या कमाल का फुट ओवर ब्रिज है ऊपर, सॉरी ओवर पास है ये, क्या कमाल का बनाया इन्होंने। थोड़ी देर ये सफ़र करते हैं चलो। ओवर स्पीडिंग तो नहीं है? नहीं, ओवर स्पीडिंग का तो ही नहीं है, आज एकदम स्पीड से चला रहे हैं भैया। लो AC में जैसे हवा, मतलब जो साउंड आता है ना वो फील आ रहा है AC में, सही में। अरे कोरोन बुक्कड़, अरे शुभम चाचा बुक्कड़, वो तो हम सभी हैं कोरोन, ये शुभम भाई सभी लोग बुक्कड़ हैं हम लोग। मैं तो कितना खाता हूँ मुझे यार ध्यान भी नहीं रहता है। ये कोई गाड़ी आ रही है यार उधर सामने से, देखते कौन सी है। नहीं अपनी है क्या वो? यार AC में बैठा हुआ फील नहीं आ रहा है आपको थोड़ा बहुत? ये आई पास वन, अच्छा पैसेंजर वन है कोई, इरोड वाले इसके साथ ICF, इरोड अल्को के साथ ICF रेक्स। मुझे छोड़ के यहाँ सब भुक्खड़। अरे योगेश भाई आप क्यों, आप खाते नहीं हो क्या ज़्यादा? अरे भाई मैं तो मतलब हर 2 मिनट में कुछ ना कुछ खाता रहता हूँ, वो मतलब यार क्या कहें यार, अब आदत ही कह लो आप, मतलब भूख नहीं लगती तब भी कुछ ना कुछ चबाता ही रहना है मुझे, बिल्कुल एक गाय की तरह कुछ ना कुछ खाते ही रहो बस। आपने अगर देखा होगा गाय कभी ना कभी कुछ ना कुछ खाती रहती है, गाय भैंस जो भी है उनका मतलब वो जो मुंह है ना हमेशा कुछ ना कुछ चबाता ही रहता है। तो वैसे है हम, मैं भी शुभम भाई आप तो रहने दो, आपका हमें पता है आप खाते नहीं हो पीते रहते हो बस,
गायब होते हो यार, जब भी डिस्कॉर्ड पे कॉल रहता है थोड़ी देर बैठते हो फिर कुछ लेने के लिए चले ही जाते हो, हमेशा कुछ ना कुछ। तो आप चाचा रहने दो। मैं पतलू लाल। अरे पतलू तो भैया खाने से क्या है, खाने से नहीं भाई, वो होता है जिनको, जो बिना खा के भी मतलब थोड़ा सा वेट गेन करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो खा के भी वेट गेन नहीं कर पाते हैं, समझ रहे हो, वो दूसरे कैटेगरी में मैं हूँ भाई। अगले स्टेशन पर जाओ। जा रहा हूँ जा रहा हूँ अर्नब भाई, अभी जा रहे हैं तंबारा में, अगला स्टॉप जा रहे हैं वहीं पे, अभी 9 किलोमीटर बचा है, जाएंगे जाएंगे अगले स्टेशन पर ही जा रहे हैं। पूरी पूरी प्रिशा खा गई योगेश भाई, सही बात, एकदम सही बात, क्या मस्त बोला है। देखो शुभम भाई क्या बोला है, क्या सही बोला है ना इन्होंने, एकदम सही बात ये है, पूरा पूरा खा गई है प्रीशा को, सही में सही कहा है योगेश भाई, एक नंबर। आपका आज फास्ट है शुभम भाई, क्यों ऐसा क्यों यार, फास्ट क्यों कर रहे हो आज, ताकि अच्छी प्रीशा मिल जाए यार, प्रीशा जल्द से जल्द मिल जाए। क्या बात है शुभम भाई, फास्टिंग का है रहा नहीं जाता है ना प्रीशा के बिना। वो एयरपोर्ट है क्या, क्या बात है यार, एयरपोर्ट है क्या ये, कुछ तो लग रहा है यार, बस स्टॉप होगा यार, बस स्टैंड देखो यार, क्या सही मॉडल बना है बस स्टैंड का, वो देखो वो बस टर्मिनल है शायद, जहाँ तक मुझे लगता है वो बस टर्मिनल है, और ये देखो ये शायद DR सिल्वर के साथ पीती पतरट्टू G9 शानदार हॉकिंग के साथ निकल रही है मालगाड़ी। ओके, और ये रहा अपना पैरेलल, हमारा पैरेलल चल रहा है में एक लोकल के साथ, लोकल गाड़ी के साथ हम लोग। अच्छा लगता है, थैंक यू अर्नब भाई, थैंक्स अ लॉट, अच्छा लगा कि आपको अच्छा लग रहा है स्ट्रीम। गुरुवार चाचा, अच्छा हर गुरुवार को व्रत रखते हैं प्रिशा के लिए, क्या बात है यार, डेडिकेशन हो तो आप जैसा हो, सही में शुभम भाई, प्रिशा के लिए हर गुरुवार व्रत रख रहे हो आप, मेरा पॉइंट एकदम मस्त आता है सही बोले योगेश भाई, एकदम मस्त था वो। और ये देखो गाइस अपना पैरेलल चल ही रहा है इसके साथ, मैं स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ ताकि उसके साथ पैरेलल भी बना रहे अपना, अपने दो अल्कोस मस्त आज चगिंग कर ही रहे, खुलासे हो रहे हैं, देखो देखो प्राद्युमन भाई कैसे खुलासे हो रहे हैं आज इधर, सही में बहुत ज़्यादा खुलासे होने और भी बाकी है, आप बने रहेंगे, आपको और ज़्यादा खुलासे देखने मिलेंगे आज, इनका सब कट जाता है इसीलिए फास्ट योगेश भाई मतलब सही में यार आज पूरे फॉर्म में हो लगते हैं आप, एकदम फॉर्म में हो आप आज शुभम भाई, आज तो आप गए, आज आपको शायद कोई बचा नहीं पाएगा योगेश भाई से। क्या मस्त अपना रेस चल रहा है इसके साथ पैरेलल, इनका सब कर जा रहा है। आई हाँ आई वॉज मेकिंग मैग इन नवा मीटिंग। हाँ हाँ कोरोन भाई आराम से ईट करो, चाहे तो आपको AC में भी बिठा देंगे, ये लो AC में बैठे हो आराम से ईट करो आप, समझे कोरोन भाई, मस्त ईटिंग करो, AC में बैठे हो, ये लो आपके लिए टेबल भी सजा कर रखा है यार, इमू इमू के साथ, ये देखो यार क्या हो गया, अपने साथ हादसा हो गया यार, इमू के साथ चल रहे हैं हम लोग ऐसे। अरे अरे AC में जल्दी, कोई नहीं आपको AC में सर्व किया है, आप इधर बैठो, ये लो आपके लिए टेबल भी रखा है मैंने, टेबल पे रखो और खाओ आराम से। चेत पेट क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, हाँ चेत पेट, जो भी है यार थोड़ा प्रोनाउंसमेंट इधर उधर हो सकता है मेरा, सॉरी प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो सकता है, पर समझ लो यार क्रोम पेट, सॉरी ये क्रोम पेट है, चेत पेट नहीं क्रोम पेट है, ये शायद चेत पेट पहले ही निकल गया होगा। अभी अगला स्टेशन है अपना स्टॉप, AC में हीटर मिलेगा भाई,
अरे अरे देखो, योगेश भाई ने हीटर का भी बंदोबस्त कर लिया है। कोरोन भाई, आप खाने का देखो, गरम ठंडा हम लोग देख लेंगे। देखो हीटर ऑन कर रहे हैं आपके लिए, ये भी गरम हो रहा है कोच इधर। मैं वैसे भी ज़्यादा देर का नहीं यहाँ, क्योंकि जहाँ मैं जाता हूँ मेरी उड़ने शुभम भाई, क्या सही में यार आप भी योगेश भाई, पढ़ा आपने क्या बोल रहे हैं शुभम भाई आज ज्यादा देर नहीं टिकते हैं ये, क्या बात है, क्या बात कर रहे हैं आज। मतलब दोनों फॉर्म में हो यार, शुभम भाई भी फॉर्म में है, एक अपने ही तरीके से फॉर्म में है वो, योगेश भाई आप भी फॉर्म में, आज मजा आ रहा है दोनों के कॉन्वर्जेशन पढ़ने में। अरे अरे कहीं नहीं जा रहे हैं आप आज, मैं मूड में हूँ। अरे अरे क्या बात, क्या बात, शुभम भाई कहीं नहीं जा रहे हो आप, समझे? आप आज इधर ही बैठोगे, जहाँ तक हम स्ट्रीम करेंगे तब तक आप बैठे ही रहोगे इधर, क्योंकि आज योगेश भाई सही में बहुत ही सही मूड में है, खे के ले रहे हैं आज आपकी, डर के भाग रही हैं। अरे डर के या क्या पता यार, प्रिशा का टाइम हो गया हो, रात भी है, प्रिशा से भी बात करनी होगी उन्हें, क्या पता योगेश भाई। देखो प्रिशा से बात करनी होगी इसीलिए भाग रहे हैं आप, मतलब आप समझो, आप क्रोनोलॉजी समझिए। क्या शिवम भाई, मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं शिवम भाई, उसका कॉल आ गया क्या प्रिशा का उस साइड? आपका शायद वो उपवास काम कर गया, प्रिशा का कॉल आ गया और आप निकल रहे। आई नियरली किल्ड अ गाय यस्टरडे। क्यों क्यों कोरोन भाई, इतना भी मतलब यार, आराम से यार, थोड़ा देख के चलाओ, क्या मतलब किल विल, फिर हमको कहाँ आना पड़ेगा आपसे मिलने, जेल में? अरे बिल्कुल नहीं आना चाहते हम उधर, आप किल विल मत करो, आराम से रहो, सावधानी से गाड़ी चलाओ बस। आपका वैसे कुरान भाई एक बात बताओ, लाइसेंस हो गया क्या आपका? कुरान भाई लाइसेंस मिल गया क्या आपको? जितना भी भाग लो आओगे आओगे लाइव स्ट्रीम में ही आओगे। हाँ यार, यहाँ पे मिस हुए तो क्या, उनके खुद के लाइव स्ट्रीम में आएंगे, हम वहाँ पे भी घुस जाएंगे यार सही में। ओ भाई आराम से, हाँ प्राध्यमन भाई मैं भी वही कह रहा हूँ इनको, देखो आराम से चलाने का है गाड़ी, रोड पे ऐसे नहीं चलाते हैं। हाँ ही रन इन फ्रंट ऑफ माई कार बी सडनली बिहाइंड फ्रॉम अ ट्रीज, थैंक गॉड आई वॉज इन स्पीड ऑफ। तब तो सही है यार, देखो मतलब हाईवेज पे क्या होता है ना, कभी कभार हम जब भी तेज़ी से जाते हैं, जैसे हाईवे मतलब फोर वेज वगैरह पे कंट्रोल नहीं होता है गाड़ी का, कभी कुत्ते आ जाते हैं बीच में यार, कुत्ते कुछ भी आ जाते हैं यार हाईवेज पे, तो यार आपको पता ही इंडिया में, मतलब आप एक बार हाईवे में जाओ, आपको एक एक या दो कुत्ते मरे हुए मिलेंगे, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब कभी इंसान आ जाए तो यार तब आप फंस जाओगे यार, देख लो। लाइसेंस नहीं हुआ इसीलिए मैं डरते हूँ ऐसे फिर। यार देखो लाइसेंस हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता कुरान भाई, हमेशा बच के रहना यहाँ ऐसे टाइम में, सही में नहीं पता क्या होगा, इसीलिए बच के रहना, ड्राइव रेस्पॉन्सिबली, बस ETS 2 की तरह नहीं चलाना है गाड़ी हमको, समझे? 919 चैट पढ़ लो। 919 डर के भाग रहे हैं ये, जितना भी भाग लो आखिर लुगाई के पास ही आता है योगेश भाई सही में यार, आज आप खतरनाक मूड में हो सही में योगेश भाई, क्या बात है यार, क्या बात है सही में। एक मिनट मैं गाड़ी रोक लूँ, फिर चैट एक एक करके पढ़ लूँगा। एक सेकेंड, एक गाड़ी कोई पास हो रही है, क्या बात है, ये देखो AI के पैरेलल चल रहे हैं इधर, WAG 7 के साथ टाइगर फेस, कोई ICF ट्रेन चल रही है और उधर AI चल रही है देखो। बट आई एम ड्राइविंग कार फ्रॉम इस, अरे क्या बात है, क्या बात है, सही है कोरोन भाई, देखो यार चलाओ अच्छी बात है, चलाना अच्छी बात है,
गाड़ी सबको चलानी भी चाहिए, क्योंकि आप कहीं बाहर जाओगे तो आप खुद से डिपेंडेंट होंगे, तो इंडिपेंडेंट होंगे तो। पर भाई देखना ज़रा बच के, क्योंकि यार बिना लाइसेंस के अगर पकड़े जाओगे ना तो बहुत बहुत गड़बड़ हो सकता है कोरोन भाई, बहुत ज़्यादा। एक तो आपको डर डर के ही चलाना होगा, मेन रोड पे ज़रा संभाल के चलाना बस। कोरोन का भरोसा नहीं, प्रिशा को भी उड़ा देता है। हाँ योगेश भाई देखो, कोरोन के सामने प्रिशा गई गलती से भी, तो आपको पता है क्या होगा, प्रिशा 404 नॉट फाउंड होगा फिर उसके बाद, समझ रहे हो आप, प्रिशा 404 नॉट फाउंड अगर इनके गाड़ी के सामने चली गई। और ये आइडिया मत बताना शुभम भाई, खुद मतलब वो कर सकते हैं वो काम, समझ रहे हो आप, खुद गाड़ी लेके उड़ा सकते हैं, ये आइडिया नहीं देने का। सही में पिचक जाते हैं वो ट्रक। हाँ हाँ प्रद्युमन भाई, वही तो मैं बोल रहा हूँ यार, बहुत बुरा लगता है जब जब भी मैं जाता हूँ ना कभी गांव के साइड, तो हाईवे में होते हुए जाता हूँ यार, बहुत बुरा लगता है। मतलब यार ऐसे सामने दिख जाता है ना, पूरा अलग सा ही मतलब फीलिंग आ जाता है यार, वो बहुत बुरा लगता है। अब देखो ट्रक वालों के भी दिक्कत, मतलब हम ये नहीं बोल सकते ना क्या, मतलब गलती नहीं बोल सकते, क्योंकि रात के टाइम ज़्यादातर ये होता है ऐसे हादसे, रात के टाइम, दिन में भी होते हैं पर प्रोबेबिलिटी होने के रात में ज़्यादा है इस ऐसे चीज़ों का, तो यार उनको भी हम कुछ कह नहीं सकते हैं प्रद्युमन भाई, तो गलती नहीं है पर अब क्या कर सकते हैं यार। थोड़े बैरिकेड्स वैरिकेड्स लगाने चाहिए ऐसे, मतलब कंट्रोल करने के लिए ऐसे चीज़ों को, अब कुछ कह नहीं सकते यार, अब हो जाता है ऐसे, क्या करें। मैं बिल्कुल बोल भी सकता हूँ आपको, ऐसे ऐसे टाइम पे ना वो ट्रक ड्राइवर को भी फील होता होगा कि यार मैंने गलती से ऐसे कर लिया, वो फीलिंग तो रहता है यार सभी को। सोचो ऐसे इंसान आ जाए, वो तो तब भी ठीक है पर इंसान आ जाए तो यार बहुत बुरा लगता है। हम कितने भी सही से चलाए बट सामने वाला सही से नहीं। कुरान भाई ये होता है, आप अगर पूरा कंट्रोल लोगे ना रोड का, एक सेकंड डिपार्ट कर लेते हैं, आप जितना भी कंट्रोल, आपके अगर गाड़ी कंट्रोल में है तो आप हादसों को टाल सकते हो, मैं सही चीज़ बता रहा हूँ, ये बहुत बार आप ऐसे कर सकते हो। हादसों को टालना आपके हाथों में ही होता है, आप सामने वाले को जज कर पाते हो उसके आने के मतलब वो क्या बोलते हैं तौर तरीके से ही। एक नंबर का बदतमीज है ये, कुरान भाभी को उड़ाए कुरान भाई भाभी को मत उड़ाना यार, शुभम भाई सिंगल रह जाएंगे फिर, ठीक है आप किसी और को उड़ाओ, भाभी को मैं नहीं उड़ाने का। हाँ बहुत बुरा लगता है जैसे ही मैं, अरे आप सोचो ये लोको पायलट्स को कैसे लगता होगा, ये जब लोग बीच में आ जाते हैं उनको तो भाई वो छा कर भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अब समझ रहे हो, मतलब सोचो अगर इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया उन्होंने, लग जाएंगे ट्रेन के एक के चक्कर में, सारे ट्रेन के लग जाएंगे तब। माई डैड वॉज ड्राइविंग एंड ही रैन ओवर अ मंगूस, वी स्टॉप टू चेक बट गॉड वॉज विद दैट पुअर एनिमल एंड टायर रैन। ये जो रेडियो कम्युनिकेशन अभी आपने सुना है ना, ये एनहांसर का है इसीलिए अंग्रेजी में आ रहा है। एंटायर रन ओवर इट्स टे टिप ऑफ टेल एंड ही वॉज, ओ भाई सही है सही है। नहीं आप रुके वो बड़ी बात है यार, लोग रुकते नहीं है, सीधा चला के चले जाते हैं। कुरान भाई इस साइड पता नहीं वहाँ होता है कि नहीं होता है, इधर सांप आ जाते हैं बीच में रोड के बीचों बीच कभी कभार, ठीक है क्या होता है ना सांप बीचों बीच आ जाते हैं तो भाई वो बहुत बुरा माना जाता है इधर, अगर सांप के ऊपर कोई गाड़ी चलाए ना तो बहुत बुरा माना जाता है वो इधर। सही में मैंने बंदों को देखा वो गाड़ी तक बेच देते हैं अगर ऐसे होता है तो, या फिर कुछ पूजा पाठ करते हैं पर सांप आ जाते हैं इधर बीच में। ये उस साइड भी होता है क्या या फिर सिर्फ साउथ में होता है ये काम। ये देखो वाइगाई का बोट्स उधर शायद एक, हाँ वो रहा मेमो खड़ी है उधर, गाड़ी धीरे धीरे डिपार्ट करते हुए। ये बंदा अभी भी टाइम देख रहा है, पता नहीं क्यों देख रहा है। हाँ उस वजह से ही वो बच्चा, एक्सपीरियंस ऑफ पेडेस्ट्रियन बिहेवियर दैट्स वाई आई सेड नियरली, या सही है कुरान भाई। देखना यार ज़रा बच के रहना इनसे, पता नहीं भरोसा नहीं है कब क्या हो, ज़रा बच के रहना, शाम से बहुत डर लगता है प्रद्युमन भाई उस लिस्ट में मैं भी हूँ, आप मुझे भी ऐड कर लो उसी लिस्ट में।
डर सा ही लगता है यार। मैं जू में भी ना वो जहाँ पे सांप का रखते हैं मैं उधर जाता ही नहीं हूँ, वो स्किप कर लेता हूँ पार्ट। क्या देखना है यार, मतलब पाइथन ऐसे पड़ा रहता है उधर, कुछ करता नहीं है, वो पड़ा रहता है बेचारा, नींद में रहता है किस में रहता है। वी डोंट हैव स्नेक्स क्रॉलिंग ओवर रोड्स। अच्छा उधर नहीं होता है क्या कुरान भाई? इधर तो बहुत ज़्यादा होता है यार, हादसे हो जाते हैं इधर तो। पता है उसको फिर क्या करते हैं लोग, रुकते हैं ठीक है उधर ही रुकते हैं वो गाड़ी, मतलब कुछ ये करते हैं, फिर शायद घी डाल के उसको ये करते हैं, जलाते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं। ये मैंने इधर देखा है, वो घी डाल के जलाते हैं, ऐसे नहीं घी डालते हैं उसमें फिर जलाते हैं, होता है नॉर्थ में भी बट हर जगह नहीं। अच्छा, इधर क्या है ना प्रद्युमन भाई, इधर थोड़े मतलब जंगली इलाके हैं थोड़े, तो पूरा मतलब दोनों साइड बीच में रास्ता, दोनों साइड पूरा ऐसे पूरा ग्रीन ग्रीन ट्रीज भरे हैं। तो स्पेशली ये चीज़ समर में होता है कि वो बाहर निकलते हैं, क्योंकि बहुत हीट होता है ना सॉइल, तो जब वो अंदर रहते हैं उनके जो भी हैं वो क्या बोलते हैं मुझे ये ध्यान नहीं है, पर वो जो अंदर रहते हैं ना ज़मीन के पास, वो बहुत हीट होता है, तो वो हीट के चक्कर में क्या आते हैं रोड पे आते हैं, और जब रोड पे आते हैं ना उनको मतलब ठीक से क्रॉल करने नहीं होता है, तो कभी स्पीड में गाड़ी आ जाए तो वो छाकर भी क्रॉल नहीं कर पाते, क्योंकि वो सरफेस टार का है ना, तो तभी बहुत ज़्यादा हादसे होते हैं यार, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा हादसे मैंने देखा है ऐसे। ज़्यादातर मिलते हैं पर जैसे होता है ना वो व्हीकल वाला रुकता है और फिर चला जाता है वहाँ से, मतलब जैसे मैंने बोला ना वो घी डाल के जला लेते हैं फिर चले जाते हैं आगे, तब तक वो गाड़ी वहाँ से निकालते नहीं है, वो रोक देते हैं गाड़ी वहीं पे। ये कुछ पाप माना जाता है जहाँ तक मुझे पता है। आपका डिनर हो गया? नहीं नहीं अरनब भाई, इसके बाद अभी चलेंगे अगले स्टेशन तक, चेंगलपट्टू जंक्शन, फिर उसके बाद अगले स्ट्रीम में कंटिन्यू करेंगे, फिर मैं खाना खाने चला जाऊँगा। वैसे नहीं बट सामने आ जाए तो फट जाती है। हाँ अरे सामने आ जाए तो यार हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं प्रद्युमन भाई मेरे। मेरे कॉलेज में ना, मेरे कॉलेज भी ऐसा है, मेरे कॉलेज एकदम पहाड़ के बीचों बीच है ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सांप आते हैं। हम एक एक रास्ते से जब कॉलेज जाते थे तो बीच में कहीं सांप दिख जाते थे, या सांप का वो जो स्किन होता है ना वो समर में निकाल देते हैं, स्किन शेडिंग बोलते हैं उसको, तो जब उनका स्किन शेडिंग होता है तो ऐसे पड़ा हुआ दिखता है उधर, तो वो देख के भी मतलब हम थोड़े से डर वर से जाते थे कि कहीं यार इधर सांप ना हो जाए। और एक और जगह पे जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है ना, जहाँ पे मेंढक होते हैं, जहाँ पर भी मेंढक होते हैं ना वहाँ पे सांप ज़रूर कहीं ना कहीं आसपास रहता है, क्योंकि उसका फूड ही है, वो खाना ही है उसका ना, तो हम ऐसे जगहों से बच के रहते हैं। कॉलेज में बहुत देखने को मिले हैं भैया सांप, और कॉलेज में अगर सांप देखने मिलता है ना सीधा व्हाट्सएप ग्रुप पे शुरू, सांप स्पॉटेड हियर, तो बच के रहना बस। कभी कभार तो हॉस्टल के पीछे दिखते थे, वो और पंगा हो जाता था तब तो। अरे एक के तो कई, एक छोटा होल था उससे घुस के आया था अंदर, पर वैसे हॉस्टल में मतलब बाद में वो सब टेक केयर कर लिया था उन्होंने, पर फिर भी क्या पता यार, सांपों का भरोसा नहीं जहाँ पर भी घुस जाते हैं। आई लाइक टू सी ओनली पाइथन्स बिकॉज आई रिलेट देम टू मी, वेरी लेजी। बिल्कुल बिल्कुल, वेट का नहीं पता कोरोन भाई, लेजी तो है वो, बहुत लेजी है पाइथन उनको। यार एक बार मैं क्या कर रहा था, रात को आ रहा था कहीं से, तो उधर ये थे पाइथन ठीक है, मैं देख रहा हूँ मेरे सामने, मुझे दिख गया था पाइथन, मैं गाड़ी रोका हूँ आराम से यार, अपने अपने स्टाइल से एकदम आराम से रोड क्रॉस करे भाई। सोचो एक छोटा रोड है ये, जहाँ पे आपको ये जो डिस्टेंस दिखना है इतना छोटा रोड है ये गुड्स और इसके बीच में, अपने गाड़ी के बीच में इतना मतलब वो चौड़ा था वो रोड ठीक है, और उसमें जाने के लिए उसने 5 5 मिनट का समय लिया, और मैं वहीं पे खड़ा था पूरे 5 मिनट में, वहीं पे गाड़ी में बैठ के देख रहा था पाइथन जा कैसे, क्योंकि आगे तो नहीं जा पाऊँगा। वैसे पाइथन का एक सही बात है, आप पाइथन के ऊपर गाड़ी भी चला दोगे ना, कार वार ऐसे छोटी, उसको कुछ नहीं होता, उसका स्किन इतना थिक है ना वो बच जाता है, कभी कभार बचने के चांसेस होते हैं पाइथन पे अगर गाड़ी जाएगी तो, गलती से भी है यार ध्यान रखना। हाँ पर बिल्कुल यार गाड़ी मत चलाना बेचारे, वो भी यार क्या करेंगे, अब रोड्स हैं अपने टायर वाले तो वो भी क्या करेंगे, उनको वो मतलब सेट नहीं होता होगा, अब क्या बताएं हम लोग। थोड़ा फॉरवर्ड वाला, अरे बिल्कुल बिल्कुल अरनब भाई, ये रहा फॉरवर्ड वाला सीन, ये देख लो फॉरवर्ड, लो थोड़ा कैब में ही चलते हैं, ये रहा कैब।
काम करते हैं, ऐसे चलते हैं। चलो ये रहा अर्नब भाई आपके लिए फॉरवर्ड वाला सीन। हमारे यहाँ हमेशा हीट रहता है, प्योर येलो इलाका दिखेगा, ग्रीन ओनली फॉर 4 मंथ्स। अच्छा यार, तब तो शाम बहुत ज़्यादा हुए होंगे, नहीं उधर बहुत ज़्यादा शाम देखने को मिलेंगे आपको? नहीं मिलते क्या? रोड पे तो ऐसे ही दिखेंगे यार। हाउ टू डाउनलोड गेम इन लैपटॉप ब्रो? गेम नेम ब्रो बालाजी ब्रो, यू हैव टू डाउनलोड दिस गेम फ्रॉम, यू हैव टू परचेज दिस गेम फ्रॉम स्टीम एंड नाउ इज़ द राइट टाइम। आई वॉज जस्ट टेलिंग योगेश भाई, तो नाउ इज़ द राइट टाइम टू परचेज। इट्स अवेलेबल फॉर 250, इट्स ऑन अ विंटर सेल। इट्स एक्चुअली सो दे हैव सम ऑफर, सो दैट्स वाई इट्स इट्स ऑन अ वेरी हैवी डिस्काउंट राइट नाउ। इट्स अराउंड 80%, इट्स आई गेस ऑन 80% डिस्काउंट सेल राइट नाउ। सो यू कैन ग्रैब योर कॉपी फ्रॉम स्टीम। सो ऑल यू हैव टू डू इज गो टू स्टीम, डाउनलोड दैट ऐप, सर्च फॉर दिस गेम नेम, दैट इज ट्रेन सिम्युलेटर 2022, एंड यू विल गेट द गेम देयर। एंड फ्रॉम देयर यू कैन जस्ट परचेज एंड इंस्टॉल इट। एंड दीज एड ऑन्स वॉट यू आर सीइंग हेयर आर अगेन सेपरेटली परचेज, सो यू कैन परचेज देम फ्रॉम भारत स्ट्रीम और ए के ट्रेन्स। दिस लोकोमोटिव दैट यू आर सीइंग इज फ्रॉम ए के ट्रेन्स, दिस एल एच बी रेक्स आर फ्रॉम भारत स्ट्रीम। सो अकॉर्डिंगली यू कैन गो एंड परचेज योर गेम्स एंड एड ऑन्स, दैट्स हाउ यू परचेज इट। यू हैव टू गो टू स्टीम एप्लीकेशन, यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो डू चेक इट आउट। पाइथन इज एंडेंजर्ड एनिमल इन फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन। हाँ, कुरान भाई शायद उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब स्पीशीज़ हैं, तो कुछ कुछ ऐसे स्पीशीज़ है जो एंडेंजर्ड है, जैसे वाइट पाइथन वगैरह जो है वो शायद एंडेंजर्ड है, पर सारे नहीं है। यहाँ पे तो यार मेरे घर के बगल में सांप आते हैं, पता है इधर जंगल है तो जंगल में सांप दिखते हैं। प्रिजर्व्ड एरिया है, सिटी के बीचों बीच 1-2 किलोमीटर का जंगल है इधर बैंगलोर में, तो मेरे घर के बिल्कुल बगल में है वो, तो मुझे इधर दिख जाते हैं कभी कभार, दर्शन देने आ जाते हैं। ये अच्छी बात है, मैं 2nd फ्लोर पे रहता हूँ तो दिक्कत नहीं है, पर नीचे आते रहते हैं। ए के ट्रेन्स का लोको है? हाँ प्रद्युमन भाई, ये ए के ट्रेन्स का है लोको है, WDM 3D वटवा का, पर मैंने थोड़ा रंग बदल के ना उसे ये कर दिया, ईरोड। ये देख लो, ईरोड WDM 3D है, वटवा के हैं असल में, मैंने थोड़ा उसका रंग वगैरह बदल दिया, रिपेंट किया है थोड़ा, आप ये कर लो, रिपेंट किया है और थोड़ा शेड वगैरह चेंज करके, देख लो ये है इरोड एल्कोस, चगिंग कर रहे हैं मस्त एकदम। ओके ब्रो, नो प्रॉब्लम बालाजी ब्रो, इफ यू हैव एनी मोर डाउट्स डू लेट मी नो। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स वाइल परचेजिंग और इंस्टॉलिंग डू लेट मी नो। यू कैन जॉइन द डिस्कॉर्ड सर्वर एज वेल। बर्मीज पाइथन? ओ ओके ओके ओके, नहीं दिखते स्नेक्स वहाँ? अच्छा ऐसे कैसे यार, दिखने तो चाहिए यार, जहाँ पे हीट है वहाँ पे ज़्यादा में दिखेंगे, क्या पता अब नहीं दिखते होंगे, मतलब क्या ही कह सकते हैं। वो पता नहीं कोरोन भाई कौन सा है, वो मैंने देखा नहीं है, मतलब इधर वैसे सब कुछ नहीं मिलते हैं, सिर्फ कुछ कुछ पाइथन वेराइटीज़ देखने मिलते हैं इधर। ज़्यादा जल्दी तो नहीं जा रहे हैं, ये स्टैटिक क्यों हो गया यार? मैं तो टाइम के हिसाब से ही चल रहा हूँ, क्या पता। ओके, सुपर चार्जर इन द चैट गाइस। यस, सुपर चार्जर ओपी इन द चैट गाइस। ये सुपर चार्जर जो आपको आवाज़ अभी सुनाई दी, जो एल्कोस ने चगिंग किया ज़ोर से, वो सुपर चार्जर की एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी होगी आपको, वो सुपर चार्जर, ये देखो अभी सुन रहे हो? अभी अभी एक जो इंजेक्शन की आवाज़ आ रही है धीरे धीरे से, एकदम धीमी आवाज़, सुपर चार्जर की आवाज़ है वो। कैसे लगा ज़रूर बताना लोको भाई। ए के ट्रेन्स अगेन। ओके ब्रो, डिनर करने जा रहा हूँ मैं, मज़ा आ गया आज। थैंक यू प्रद्युमन भाई, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। आते रहना, हम भी आएंगे आपके स्ट्रीम में, वैसे आप भी आते रहो यार, अच्छा लगा पाए। चलो ये भी अच्छा है कि आपने इन्जॉय किया, थैंक्स अ लॉट अगेन। खाना खाइए आराम से, मिलते हैं अगले स्ट्रीम में फिर, ठीक है? क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ? अर्नब भाई बिल्कुल, डिस्कॉर्ड का आईडी है,
वरना शुभम भाई के सर्वर में ज्वाइन करो, उधर मेरा नाम है, उधर आप आके कॉल कर लो, जो भी डाउट्स हम क्लियर कर देंगे आपको, ठीक है? आराम से कॉल करो डिस्कॉर्ड पर, या फिर अगर आपको एफबी वाला ये चाहिए एफबी आईडी, तो वो इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, आप उधर से भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो दोनों जगह अवेलेबल हूँ, रेगुलरली आप बात करना है तो कर लो उधर से। ये क्या है यार, ये पढ़ना है मुझे, एक सेकेंड, ये स्टेशन का नाम क्या है इसका? ये रहा गुडुवान चेरी स्टेशन, जो भी है यार। ये देखो एक छोटा सा ट्रांसफार्मर बिठा दिया वो इसी के ऊपर, क्या प्यारा लग रहा है यार। ये सीन देख लो आप, सिर्फ ये सीन नहीं लग रहा है क्या रियलिस्टिक? मुझे तो बहुत प्यारा लगा ये। ओ वाह, ये देखो यार टेम्पल, कोई टेम्पल है इधर? अगर कोई गुड़वान चेरी का है तो बता दो यार, कौन सा टेम्पल है ये? बहुत प्यारा टेम्पल लग रहा है ये तो। बाकी ये रही सिटी, थोड़ा ट्रेन को कैच करते हैं। चलो चलो चलो, ये रहा यार काफ़ी, मतलब ये रूट का ना एक सही चीज़ मुझे ये लगता है, बहुत ज़्यादा लोकल बनाने का कोशिश किया, मतलब आपको फील आएगा कि हाँ यार आप सही में तमिलनाडु से ही जा रहे हो। आपको पता होगा तमिलनाडु में बहुत सारे टेम्पल्स है, ये देखो एक टेम्पल यहाँ, एक टेम्पल अभी हमने देखा वहाँ पीछे था, एक यहाँ पर है, और वो देखो हाउसिंग सोसाइटी लग रहा है मुझे तो, शायद ही है हाउसिंग सोसाइटी टाइप का कुछ। ये कोई यार, ये क्या बोलते हैं यार इसको, देखते हैं रुको, महल, टीजी बालापत्रा नायकर महल, ओके, ये जो जहाँ पे शादी वादी होती है, चौल्ट्री जिसे बोलते हैं वो होगा। और ये देखो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स, सही है, बहुत मस्त रूट बनाया इन्होंने। क्या मैं आपको फ़ोन नंबर वाला कॉल, आप हाँ अर्नब भाई आप एक बार उधर मुझे टेक्स्ट करो, उधर से हम बात करेंगे, एक बार डिस्कॉर्ड पे करो, डिस्कॉर्ड पे ही कॉल ही होता है, हम वॉइस कॉल ही करेंगे आराम से, ठीक है? एक बार आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट करो, ठीक है? स्ट्रीम के बाद वीसी आ सकते हो? हाँ कोरोन भाई, स्ट्रीम के बाद खाना खाऊंगा फिर उसके बाद आ जाऊंगा यार वीसी, सभी लोग बैठे होंगे शायद वीसी में ऑलरेडी, शुभम भाई सौमिल भाई सब कुछ बैठे होंगे, देखते हैं तब मिल जाएंगे वहाँ पर। किसी की शादी हो रही? अरे योगेश भाई आप समझे नहीं, शुभम भाई की शादी हो रही है प्रिशा के साथ वहाँ पे, समझे? पोठेरी, वो गुड़वान, गुड़वान चूरिया जो भी है, गुड़वान नूर जो भी अभी पास किया हमने, वहाँ पे शुभम भाई की हो रही है शादी प्रिशा के साथ, तभी तो वो यहाँ से गायब है, चौल्ट्री में मिलेंगे आपको सीधा। मैं भी आऊँ क्या वॉइस कॉल में? आ जाओ योगेश भाई, आप भी आ जाओ यार, आपके पास तो नंबर भी, आप उधर भी कॉल कर सकते हो। पर हाँ यार मेरा मोबाइल ना हमेशा साथ में नहीं रहता, तभी मैं लोगों को बोलता हूँ डिस्कॉर्ड या इसी पे आओ, क्योंकि मैं मोबाइल ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर आपको डिस्कॉर्ड या ऐसे ही व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट देख लूँगा मैं, क्योंकि मैं वेब वेब में चलाता हूँ, कॉल आएंगे ना तो मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि वेब में सिर्फ ये सपोर्टेड है, मिस्ड कॉल आने के बाद पता चलेगा कि हाँ कॉल किया था, पर सिर्फ टेक्सटिंग सपोर्टेड है उसमें। कौन कौन आ रहा है डिस्कॉर्ड? डिस्कॉर्ड पे फिलहाल पता नहीं, अभी तो कोरोन भाई बोल रहे थे, कोरोन भाई आएंगे करके, बाकी जो है देखना पड़ेगा। वैसे ज़्यादातर शुभम भाई आ जाते हैं, पर आजकल वो बहुत बिजी हो गए हैं, शुभम भाई मिलते भी नहीं हैं। एक बार पूछते हैं इनसे सिग्नल है या नहीं है, चलो एक बार पूछते हैं, बताओ चाचा सिग्नल है कि नहीं है। यार वापस से बदनामी कर ली। हाँ तो आपका व्हाट्सएप नंबर दे दो। बिल्कुल बिल्कुल अर्नब भाई, मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, पर स्ट्रीम में नहीं दे सकता हूँ ना, वो दिक्कत है। तो आप मुझे फेसबुक या फिर डिस्कॉर्ड पे कांटेक्ट कर लो, या फिर आप कुरान भाई से कांटेक्ट करो, या फिर योगेश भाई से, उन सभी के पास है मेरा नंबर। स्ट्रीम में ऐसे खुलेआम मैं बोल नहीं सकता हूँ ना, वो दिक्कत है बस, ठीक है? आप एक बार उनसे बात कर लो, वो दे देंगे, या फिर आप खुद मुझे डिस्कॉर्ड पे कांटेक्ट करो। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं आपको ज़्यादातर डिस्कॉर्ड पे ही मिलूँगा, व्हाट्सएप पे मैं उतना एक्टिव नहीं रहता हूँ, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप ना फ़ोन से नहीं चलता, मतलब मैं फ़ोन से नहीं चलाता हूँ व्हाट्सएप, मैं वेब वर्जन से मतलब लैपटॉप से ही चलाता हूँ अपने। तो आप डिस्कॉर्ड से ही, मतलब मैं तो बोलता हूँ डिस्कॉर्ड पे, आप भी पूछो,
कुरान भाई से भी पूछ लो, हम ज़्यादातर डिस्कॉर्ड पे बैठे रहते हैं। मैं व्हाट्सएप ज़्यादा चलाता नहीं हूँ बिल्कुल, और क्योंकि यार मेरे फ़ोन में ना दिक्कत है, इसीलिए मैं फ़ोन ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, बैटरी प्रॉब्लम से मेरे फ़ोन में, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर आपको डिस्कॉर्ड विस्कॉर्ड पे ही मिलता हूँ। फेसबुक भी कम ही चलाता हूँ मैं, फ्रैंकली बता रहा हूँ। डिस्कॉर्ड आप करो ना, आज करोगे तो आपको जल्दी ये मिल जाएगा रिस्पॉन्स, क्योंकि मैं ज़्यादा डिस्कॉर्ड एक्सेस कर, डिस्कॉर्ड काफ़ी आसान है यार, सीधा जाओ पीसी में खोलो मज़े करो, वो फ़ोन कभी चार्जिंग में रहता है कभी कहीं और रहता है, कौन ढूंढते हुए जाएगा उसे। तो मैं इसीलिए ज़्यादा आपको डिस्कॉर्ड पर ही मिलने वाला हूँ। वो देखो टेम्पल एक और मंदिर है, मंदिर के ऊपर लाइट्स भी लगे हुए, या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन है क्या? नहीं, लाइट्स लगे और उसके सामने वो OHE का लगा है, सॉरी हाँ OHE बोलते हैं ना, ओवर हेड वायर्स का, वही है वो। थोड़ी देर AC में चलते हैं यार, ये रहा AC कोच, गर्म है बहुत, थोड़ा AC में चलते हैं। कैसे ज्वाइन करूँ? लिंक दीजिए कुरान भाई, ज़रा अर्नब भाई को लिंक दे दो ना डिस्कॉर्ड की, शुभम भाई के सर्वर है ना उसका लिंक दे दो, शुभम भाई के सर्वर में आ जाओ आप, शुभम भाई के सर्वर में हम सभी बैठे रहते होंगे हमेशा, शुभम गुर्जर करके सर्वर होगा। कुरान भाई ज़रा लिंक भेजो ना यार प्लीज़, मैं फ़िलहाल एक्सेस नहीं कर पाऊँगा डिस्कॉर्ड को, इसीलिए कुरान भाई भेज देंगे। कुरान भाई चैट में लिंक भेज दो डिस्कॉर्ड का, वैसे योगेश भाई भी भेज सकते हैं, योगेश भाई भी है उसी डिस्कॉर्ड सर्वर में। तो मैं क्या बोलता हूँ, आप डिस्कॉर्ड पे आ जाओ, डिस्कॉर्ड पे आराम से बात हो सकती है, व्हाट्सएप से अच्छे से हम बात कर पाएंगे डिस्कॉर्ड पे। ये देखो कितने टेम्पल्स है यार, बहुत प्यारा है यार, बहुत प्यारा। गाइस टेम्पल्स कैसे लगे ज़रूर बताना, और आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी बताओ। ये देखो एकदम ब्लास्ट कर रहे हैं अल्कोस अपने इधर से, सुपर चार्जर की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये देखो कांट फाइंड इट इन प्ले स्टोर विच गेम, ये हे बॉय सोमिल भाई, कांट फाइंड इन प्ले स्टोर, ओ माई गॉड क्या बात है। नहीं प्ले स्टोर में ना रिलीज करेंगे जल्दी सोमिल भाई, ठीक है। ये बॉय बोलना है आपको, इस बात पे ना एक ही मतलब जवाब बनता है, हे बॉय कांट फाइंड इट इन प्ले, यस प्लीज हेल्प, जरूर जरूर हेल्प करेंगे, प्ले स्टोर पे विल रिलीज इट वेरी सून सोमिल भाई, जल्दी रिलीज करेंगे प्ले स्टोर में खास आपके लिए। भाई मेरा नेटवर्क खत्म हो गया, क्यों अर्नब भाई कैसे खत्म हो गया यार, क्या हो गया ऐसे, नेटवर्क खत्म हो गया मतलब? ये भाई मेरा नेटवर्क, यस प्लीज हेल्प, जरूर जरूर सोमिल भाई हेल्प जरूर करेंगे। कितनी स्पीड है भाई ट्रेन की? 105 पे है वैसे। श्रीशैल भाई, भाई पहले श्रीशैल भाई थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वेलकम टू द स्ट्रीम। अभी फ़िलहाल हम चल रहे हैं 105 पे, MPS अपना इस सेक्शन में 120 का, तो 105 पे चल रहे हैं हम लोग ड्यूअल अल्कोस इरोड। ये गेम मोबाइल में चलेगा क्या? हाँ कुरान भाई चल जाएगा ना, चला लेंगे, क्या है प्लीज़ हेल्प जरूर जरूर। कौन सा मोबाइल है आपके पास? एसस का? आरो जी कांट फाइंड इन वमसी भाई, दे आर जस्ट प्लेइंग अराउंड। सामिल भाई तो प्रो है अपने, इनको ना बस ऐसे ही पैर खींचने की आदत, क्या बताया। ओके थैंक्स, यस थैंक्स सामिल भाई थैंक्स। ये बॉय कितने MB का है? नहीं 2-3 MB का है, क्रैप गेम से भी कम है सामिल भाई MB में। क्रैप गेम से कम MB का गेम है अपना। शुभम भाई तो अपने PC में नहीं, शुभम भाई तो अपने इसमें खेलते हैं, क्या बोलते हैं, मोबाइल में खेलते हैं अपने शुभम भाई, और वो तो मॉडल्स भी मोबाइल में बनाने लग गए हैं आज, उनका मोबाइल नहीं सुपर मोबाइल है, मतलब जैसे सुपर कंप्यूटर्स होते वैसे शुभम भाई का सुपर मोबाइल। वैसे वंशी भाई थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग यार, वेलकम टू द स्ट्रीम, मैं भूल गया मजाक मजाक में, थैंक्स अ लॉट, अच्छा लगा कि आप ज्वाइन हुए आज स्ट्रीम में, आज ऐसे आते रहना यार अच्छा लगता है। वैसे आज आपको थोड़ा अलग दिखेगा ये स्ट्रीम, क्योंकि कुछ ये तो बोर्ड्स है ही, बोर्ड्स के साथ कुछ और अलग है इसके इस स्ट्रीम में। मुझे आप डेटा पैक सेव करके डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ, सामिल भाई डेटा पैक पूरा बचाओ, क्या पता कोई मतलब ये गेम पूरा उठा के ले जाए डाउनलोड होते होते, मिल जाएगा गेम, वैसे मिल जाएगा प्ले स्टोर में भी। ज़रूर।
आपके पास सुपर मोबाइल होना ज़रूरी है बस, बाकी प्ले स्टोर में मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल मोबाइल में मॉडल्स, हाँ, मोबाइल में मॉडल्स। अरे जब गेम ही खेल सकते हो कुरान भाई, तो मोबाइल में मॉडल्स क्यों नहीं बना सकते हो बताओ? 150 MB का गेम है, 150 रुपया देगा बस। वैसे 150 MB का गेम है ये, प्ले स्टोर पर ये गेम नहीं मिल रहा है मुझे, मुझे प्लीज टेल। अरे शुभम भाई, प्ले स्टोर पर भी मिल रहा है, और एप्पल का जो भी है, आईफोन का जो भी होता है, उस पर भी मिल रहा है, सब जगह मिल रहा है। आप बस डाउनलोड करो ट्रेन सिमुलेटर 2022 या इंडियन ट्रेन सिमुलेटर, मिल जाएगा आपको। वंशी भाई आए, हाँ बिल्कुल, आज वही अच्छा लगा, वंशी भाई आए, बहुत मतलब बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं वंशी भाई, तो अच्छा लगा कि वो आए आज स्ट्रीम पे। ये कैसे करते हैं हमें भी बता दो। ये आपको, आपके पास ना सुपर मोबाइल होना ज़रूरी है कुरान भाई, जैसे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं ना, वैसे सुपर मोबाइल होना ज़रूरी है, तभी होगा ये। ज़रूर भाई, थैंक यू वंशी भाई, थैंक्स अ लॉट। एक्टिविटी पेवर नहीं, इसमें एक्टिविटी वैसे पेवर नहीं रहता है श्रीशैल भाई, इसमें आपको एडऑन्स खरीदने पड़ते हैं, रूट खरीदना होता है। बाकी एक्टिविटी सब सिनेरियो मेकर्स फ्री में देते हैं आपको, BS ऐप में ही मिल जाएगा। अगर आपके पास एडऑन्स है तो आप एक्टिविटी खेल पाएंगे, नहीं है तो एरर दे देगा, बस सिंपल है। इसमें MSTS की तरह एक्टिविटी पेवेयर वगैरह नहीं रहता है, एक्टिविटी फ्रीवेयर रहता है। MSTS में जैसे अगर कुछ कंसिस्ट नहीं है तो वो लोको, अगर लोको नहीं है, सोचो लोको के बिना ट्रेन चलते हुए दिखेगी, वैसे इसमें नहीं दिखेगा। अगर नहीं है तो सीधा आपको एरर दे देगा, वो पूरा का पूरा ट्रेन गायब हो जाएगा उधर से, वैसा है इसमें। भैया हम तो नोकिया 3310 यूज़ करते हैं उसमें, अरे उसमें भी चल जाएगा। आप उसमें ना सुपर कंप्यूटर बदल दो, नोकिया 3310 को फेंको, और उसमें सुपर सुपर मोबाइल लगा दो, चला देंगे उसमें मस्त, एकदम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे पबजी चल जाएगा, ये गेम क्या नहीं चलेगा बताओ। आओ शुभम भाई, हम दोनों मिलके प्ले स्टोर के लिए बनाएंगे। अरे हाँ शुभम भाई बना बना भी देंगे, प्रोग्रामर है वो। इनसाइडर जोक अगेन। वंशी भाई मेरे से मिलने मिलते रहते हैं व्हाट्सएप में, हाँ व्हाट्सएप में बहुत मिलते रहते हैं, मैंने भी देखा, काफ़ी एक्टिव है व्हाट्सएप पर वंशी भाई, है ना वंशी भाई? बात हुई है शायद मेरी वंशी भाई से व्हाट्सएप पे, सिनेरियो को लेकर, शायद वंचीनाड या कुछ और, वंचीनाड पार्ट 3 को लेकर ना वंशी भाई, शायद आप पूछ रहे थे मुझे कि वो कैसे बनाते हैं क्रॉसिंग, वैसा जो ईरोड का ले लोको लेके आता है वो ट्रेन को। हमसे भाई मेरे से, हाँ वर्चुअल फ्रेंड्स, अरे आजकल तो वर्चुअल ही है ना यार, क्या करें, घर में सब हुए हैं, मतलब मैं तो यार घर से बाहर ज़्यादा निकलता भी नहीं हूँ, सारे वर्चुअल दोस्त ही है मेरे। चलो मैं बाद में आता हूँ, फ़ोन चार्ज पे लगाना है, MSTS खेलूँगा शुभम भैया के साथ खेलूँगा। शुभम भैया इंजीनियर है ना? अरे शुभम भाई इंजीनियर भी है, और उसके साथ साथ वो प्रोग्रामर भी है, तो इसीलिए वो मॉडल्स भी बना रहे हैं आजकल, और सिनेरियो भी वो इसीलिए बना रहे हैं। शामिल भाई यार आप समझ गए यार, और अब फ़ोन चार्ज पे लगाओ और ट्रेन सिमुलेटर को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, बस फिर प्ले ट्रेन सिमुलेटर लेके मॉन्की, बस समझे आप? लूसी की तरह नोकिया 3310 के अंदर घुसेंगे रेलवर्क्स बनाने के लिए, अरे बिल्कुल बिल्कुल घुसना पड़ेगा अब इनको, उसी में चलाना पड़ेगा, नोकिया 3310 में चलाना होगा इनको। यहाँ पर सारे डिग्गज लोगों की टॉक हो रही है। हेलो गौतम भाई, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द स्ट्रीम। हाँ देखो अभी थोड़ा हंसी मजाक का स्ट्रीम चल रहा है अपना इधर, आप भी आ जाओ, थोड़ा हंसी मजाक कर ही लेते हैं हम लोग भी, है ना? मुझे तो सब WR1 रूट में मिले। अच्छा क्या मिले योगेश भाई, सिनारियोस या फिर क्या बोल रहे हैं? श्रेयन ब्रो आज आप लोग VC की वजह से इतना पास आ गए हो मेरे दिल के, जब मुझे रियलाइज होता है कि मैं रियल में आप बहुत दूर हो। अरे अरे क्या करें, अब देखो यार मैं हूँ बैंगलोर में, अपने सौमिल भाई है जबलपुर, इंदौर वाले शुभम भाई, और आप तो हो उधर अहमदनगर में। देखो अब ये तो अच्छा है ना कि चलो हम मिल तो गए वर्चुअली, सोचो अगर मिलते ही ना, वही एक अच्छी बात है। भैया आपके पूरे मिले ये आपका
एपी के प्योर पे मिलेगा? हाँ मिल जाएगा टीएस का एपीके, चलो डाउनलोड कर लो सब। मिल भाई एपीके क्या, सीधा मिल ही जाएगा आपको, रूट भी मिलेगा, कोंकण वोंकण सब कुछ। आप बस डाउनलोड करो, मोबाइल चार्ज पे लगाओ, डाउनलोड कर दो पूरा। मॉडल्स आप एन्जॉय करोगे, समझ रहे हो, पूरा एन्जॉय। ओ हो, स्पीड अप कहाँ कर लिया, रोकने का था अपन को, पर पता चला हम स्पीड अप कर रहे हैं। चेंगलपट्टू जंक्शन टीएस, हाँ मिलेगा जरूर, बनाने तो दो पहले। अरे बन भी गया, उनको मिल जाएगा, सौमिल भाई आपको मिल जाएगा, आप सीधा सर्च करो मिल जाएगा। आप भी फिर ऐसे खेलना, हम तो अभी लैपटॉप से थोड़ी खेल रहे हैं, हम फोन से खेल रहे हैं गेम, लैपटॉप थोड़ी है अपने पास। भा भाई बाबा कहाँ, बाबा प्रिशा मिले, प्रिशा प्रिशा तो है इधर, प्रिशा कहाँ भागेगी अपनी। इधर ना थोड़ा यार प्लेटफॉर्म छोटा कर दिया लगता है। वो कौन सी ट्रेन जा रही है, पैसेंजर 3? चलो रोक दिया चंगलपट्टू पे। आई एम क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड सर्चिंग फॉर दिस लवली गेम सिंस मॉर्निंग। नो प्रॉब्लम ब्रो, यू विल फाइंड इट ऑन प्ले स्टोर, डाउनलोड एंड प्ले। अब क्या कह सकता हूँ सामिल भाई, आराम से सर्च करो, मिल जाएगा एपीके। देन यू कैन मेक मॉडल्स, रूट, साउंड, सिनारियोस, एवरीथिंग। आई एम प्लेइंग ऑन मोबाइल राइट नाउ, हैव अ सुपर मोबाइल बाय द वे। यार बोलने में हंसी आ रही है मुझे। क्यों ले रहे हो बेचारे की, खतरनाक ऑर्गेनिज्म, सही में ऑर्गेनिज्म आ रहा है देख के, है ना। क्यों ले रहे हो यार बेचारे की, हाँ इन्होंने फोन को लैपटॉप में प्रोजेक्ट किया है सौमिल भाई, बिल्कुल अभी वैसे ही तो कर रहा हूँ मैं। अरे नहीं वंशी भाई, मैं तो फोन से ही स्ट्रीम कर रहा हूँ ना, फोन से ही चल रहा है मेरा। मेरा फोन ना मतलब एकदम ऐसे गेम्स को हैंडल कर ले रहा है, लोग इसको मतलब पीसी में चलाने की तड़प रहे हैं, मैं देखो फोन पे चला रहा हूँ आराम से, एकदम एक नंबर। एल्को सुपर चार्ज एंड टर्बो चार्ज, अच्छा ये नहीं पता था कुरान भाई मुझे, वैसे ये पहली बार सुन रहा हूँ, मैंने दोनों में टर्बो चार्जर का सोचा था। अच्छा उसमें सुपर चार्जर लगता है, रहने दो आप, आपसे नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा चाचा, प्रिशा और आपकी शादी? नहीं वो तो हम करा के रहेंगे, दिक्कत नहीं है उसमें, वो तो हम करा के रहेंगे, देख लेना आप। भैया लिंक दो, ये दो, हम रूट बनाएंगे जबलपुर टू मदन महल। विच फोन ब्रदर, लावा? नहीं, लावा नहीं, ये अपना ना, ये एक नया फ़ोन है, ये आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, ये खुद से बनाना पड़ेगा आपको। तो ये आप ऐसे समझ लो कि ये खुद का बनाया हुआ फ़ोन है, इसी में चलेगा, ये किसी और में नहीं चलेगा, समझे सामिल भाई। तो आपको सिर्फ ये इसी फ़ोन में मिलेगा। हाँ ये बावा फ़ोन है, ये बावा फ़ोन, लावा नहीं बावा है ये। ऑर्गेनिज्म ओ भाई स्ट्रीम 18+ अल्ट्रा प्रो मैक्स हो रही है। अरे अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऑर्गेनिज्म है, आप गलत समझ रहे हो वंशी भाई, ऑर्गेनिज्म बोला है, समझ रहे हो आप, क्रोनोलॉजी समझो। ऑर्गेनिज्म मतलब कोई एक जीवी। ऑर्गेनिज्म है बस, ऑर्गेनिज्म तो यार हमें 10th में भी पढ़ाते हैं, आप जो समझ रहे हो वो नहीं है, ऑर्गेनिज्म ही है इधर। मैं तो हाथ में चला रहा हूँ, अरे क्या बात है, देखो योगेश भाई और अलग, मतलब क्या अलग ही बोल रहे हैं, वो तो हाथ से चला रहे हैं रियल में एकदम। बाबा डू यू नो सुपर चार्जर? नहीं, कुरान भाई मुझे इतना मतलब ये नहीं है यार, पता है सुपर चार्जर टर्बो चार्जर है, पर उतना भी इन डिटेल्ड नहीं पता है मुझे। नॉट बावा मावा, अच्छा जावा ही बोल दो यार, है जावा ही बोल दो। मावा जावा, ये पिट्स ऑर्गेनिज्म, डोंट टेक इट इधर वे। एग्जैक्टली सौमिल भाई देखो सही बोल गए, इट्स जस्ट ऑर्गेनिज्म, नॉट एनीथिंग एल्स, अगेन नो पन इंटेंडेड हियर। यार आज स्ट्रीम इतना मज़ा आ रहा है ना स्ट्रीम में, तो एंड करने का मन ही नहीं कर रहा। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं, जहाँ तक
अगला कौन सा स्टेशन है? ये थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे। ऊटी वक्कम। चलो ऊटी वक्कम तक चलते हैं। सुपर चार्जर इज कनेक्टेड टू इंजन बेल्ट सो एज आरपीएम इंक्रीजेस बूस्ट इंक्रीजेस एंड टर्बो स्पिन्स विथ एग्जॉस्ट गैसेस सो एज इंजन मेक्स मोर स्मोक टर्बो गिव्स मोर प्रेशर। ओके ओके समझा। तो फिर दूसरा वो टर्बो चार्जर क्या करता है? टर्बो स्पिन्स एंड अच्छा टर्बो स्पिन्स विद द एग्जॉस्ट गैसेस सो एज इंजन मेक्स मोर स्मोक टर्बो गिव्स मोर प्रेशर। ओके समझा समझा। जावा की बेइज्जती नहीं करेंगे। अच्छा, ठीक है। जावा की बेइज्जती नहीं करते हैं। चलो पाइथन की करें फिर। TS 279 का है ना भाई? मैंने अभी चेक। हाँ योगेश भाई 279 है कुछ है, पर वो ऑल टाइम लो है योगेश भाई। इतना लो कभी आता नहीं है। अभी क्रिसमस का विंटर सेल चल रहा है उनका। TSW 2 150 का है। ट्रेन सिम वर्ल्ड, TSW मतलब ट्रेन सिम वर्ल्ड, दोनों डाउटेल के ही हैं, पर उसमें इंडियन एडवांस नहीं है। वो 150 का है भैया। मैं स्मार्ट वॉच के लिए भी सर्च कर रहा हूँ गेम उसका तो दिलवा। हाँ आपके पास स्मार्ट नहीं सुपर स्मार्ट वॉच होना चाहिए सामिल भाई, तभी वो गेम चलेगा। स्मार्ट वॉच में नहीं चलेगा ये। साइकिलिंग करते टाइम, अरे 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 देख रहे हो कैसे ले रहे हैं। साइकिलिंग करते टाइम एल्को चलाएंगे, एल्को लवर। स्मार्ट वॉच के लिए एमएस देखो MSFS। हाँ MSFS सही गेम है, बहुत मस्त चलेगा। ट्राई टू रीच विल्लुपुरम बिफोर 1545, द रियल डिपार्चर टाइम इज 1555 और सिनारियो इज इट इज़ नॉट फॉलोड। ओके कोरोन भाई इंजीनियर अल्ट्रा प्रो मैक्स। बिल्कुल यार बिल्कुल अल्ट्रा प्रो मैक्स इंजीनियर है ये। इनको ना इंजीनियरिंग जब लेंगे ना एंजॉय करेंगे, इनको फैक्ट्स पसंद है। साइकिलिंग करते टाइम, अच्छा, ये तो पढ़ लिया कोरोन भाई। बिल्कुल वंशी भाई, कोरोन भाई जो है अपने बहुत सही इंजीनियर है। अरे वो यहाँ तक वो खुद के गाड़ी का वो करते हैं, क्या बोलते हैं यार उसे, मैं भूल गया उसका नाम क्या है, ट्यूनिंग। हाँ ट्यूनिंग इन्होंने खुद किया है इनके गाड़ी का। बताओ मैं तो नहीं कर पाता हूँ, इंजीनियर हो के भी नहीं कर पाता हूँ मैं तो ये बिना इंजीनियरिंग किए कर लिया इन्होंने। थोड़ा इंटीरियर में भी चलते हैं यार, हमेशा उधर से ही चल रहे हैं हम लोग, एसी में चलेंगे। मेरे पास इंजीनियर वाली वॉच है जिसमें प्रोग्रामिंग भी हो जाती है और इंजीनियरिंग भी हो जाता है। हाँ उसमें बिल्कुल चलेगा सामिल भाई। उसमें कोई भी गेम चला लोगे आप तो उसमें यहाँ तक भी CS को चला लोगे, और फिर कौन सा है घोस्ट रेकन भी चला लोगे आप वैलो भी चला लोगे उसमें। पता है उसको माउस भी कनेक्ट कर लो आप, एक पोर्ट निकाल के माउस कनेक्ट कर लो, उसमें वैलो भी चल जाएगा, समझ रहे हो, वो भी चल जाएगा। बस आपने ये बात कह दी ना, प्रोग्रामिंग भी हो जाती है बस, और इंजीनियर वाली वॉच है तो उसमें कुछ भी चलेगा, आप कुछ भी चला लो उसमें। ठीक है भाई, आई नीड टू गो, गुड नाइट। थैंक यू, नो प्रॉब्लम वंशी भाई, गुड नाइट, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आते रहना है स्ट्रीम पे, ऐसे मज़े करेंगे इधर, है ना। अरे सामिल भाई दौड़ेगा, देखो वही मैं बोल रहा हूँ, दौड़ेगा उसमें। सिर्फ ये तो बहुत छोटा गेम हो गया उसके लिए। उसमें तो आप MSFS जैसे बड़े 100 100 200 GB के गेम्स भी खेल सकते हो सही में। उसमें GTFI खेल सकते हो, हाँ ये बोलने वाला था, उसमें GTFI भी खेल सकते हो आप। पता है ऑल्सो लोको इज पुट इन नॉच वन, इट्स साउंड वोंट चेंज बिकॉज डू वॉन्ट नो हियर आंसर। नहीं एल्को इज पुट इन नॉच वन, साउंड वोंट चेंज बिकॉज, नहीं भाई इतना जानकारी नहीं है, वन पे क्यों नहीं चेंज होता है, क्योंकि सेम ही कुछ गेयर रेशियो वेयर रेशियो होगा उसका और क्या। या फिर सामिल भाई बता पाएंगे। अरे वैलो क्या हो है, ये तो GTA साइबर पंक। बिल्कुल देखो वंशी भाई ने कह दी बात, चलो फाइनली बाय। ओके ओके बाय बोल रहे हैं सामिल भाई। नहीं आप ना पहले इंस्टॉल करो आपके वॉच पे, इंजीनियर वाली वॉच पे, उधर उधर ना आप स्ट्रीमिंग करो, उधर से स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो सामिल भाई आप। पता है उधर से सीधा यूट्यूब कनेक्ट करो, स्ट्रीम कर लो बस, आप उसमें कोरोन भाई का दिमाग भी चला लो भाई। क्या
क्या बात करे, अरे योगेश भाई आज आप पूरे फॉर्म में हो यार, क्या बात है, सही में क्या बात है। विश्वजीत को तब को बहुत मेहनत है ना गौतम भाई, सही में बहुत ज़्यादा मेहनत है। मतलब इसमें हर बंदा मेहनत करता है टीएस में, सही में। ये जो आप मॉडल देख रहे हो ना, ये बनाने में भी मतलब हम क्रिटिसाइज तो कर ही ले करते हैं आराम से, पर बनाने में सही में हालत ख़राब हो जाती है। गौतम भाई बहुत मेहनत वाला काम है ये भी, और एके ट्रेन्स भी करते हैं, जो लोगों आप देख रहे हो ना, ये एके ट्रेन्स के ही है ये वाले। ये देख लो, इनकी डिटेलिंग देख लो यार, ये सब कुछ कितना मेहनत का काम है। अंदर का ये जो है एपीयू वाला, बहुत मेहनत का काम है। बोगिस देख लो, बोगिस का जो शेड दिया उन्होंने, रियल से कम नहीं। ये भी देख लो, भारत स्ट्रीम के बोगिस का जो शेड दिया, रियल से कम नहीं लगते। LHB बोगिस बहुत प्यारे बनाए हैं इन्होंने। प्रिशा लवर, चलो प्रिशा, चलो भाई प्रिशा लवर। अरे शुभम भाई रुको, आप कहाँ भाग रहे हो? प्रिशा लवर तो आप हो, बिल्कुल बिल्कुल प्रिशा के लवर तो आप हो, हमें काहे उसमें नेम कर रहे हो शुभम भैया, बेचारे विश्वा भाई। हाँ हाँ बिल्कुल, क्या बोलती है पब्लिक मेरी स्मार्ट वॉच की स्ट्रीम देखने आएगी? अरे बिल्कुल, मैं तो पहले आऊँगा, मैं तो यार वो रिमाइंडर ऑन, रिमाइंडर ऑन सब कुछ मैं पिन करके रख लूँगा आपके स्ट्रीम को, आप सिर्फ कर दो उससे स्ट्रीम, हम सभी लोग आएंगे। कोरोन भाई पहले आदम केंगे उधर, प्रिशा तो आएगी, हाँ शुभम भाई प्रिशा के साथ आएंगे आपके उस वाले स्ट्रीम पर, सही में। लोको बिकॉज बेचारे, हाँ यार वंशी भाई बिल्कुल, बहुत बहुत मेहनत करते हैं वो इस सभी चीज़ों में। अभी उनका रूट आने वाला है, बचा सिर्फ वही नहीं, ये जो रूट भी है ना, रूट बनाना भी बहुत मेहनत वाला काम है। अब देखो जेरिन भाई ने कितना मेहनत किया, सब एसेट्स बना के सब कुछ बनाया इन्होंने, बहुत मेहनत वाला काम है हर चीज़ इसमें। लोको इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग मच इलेक्ट्रिसिटी एट आइडल, सो वेन लोको इज पुट टू नॉच वन लोकोमोटिव RPM वोंट इंक्रीज बट लोको डीजल जनरेटर स्टार्ट सेंडिंग पावर टू ट्रैक्शन मोटर। ओके ओके ओके, अभी समझा मैं, समझ गया समझ गया, गॉट इट। ये एक, ये नहीं, ये इसके साथ ये है, ये थोड़ा बोर्ड के साथ। थैंक्स योगेश भाई द पावर, हाँ जरूर आएंगे आपकी स्ट्रीम देखने सोमिल भाई, पर आप सही में यार एक स्ट्रीम करो यार रेलवर्क्स की कमेंट्री के साथ, मज़ा आएगा। एंड दैट पावर इज मोर देन इनफ टू मेक देन रोल। ओके अच्छा ये बात है, थैंक्स योगेश भाई, सॉरी आंटी। अरे शुभम चाचा वो भी आप ही हो हैं, आप अपना मतलब आप अपने खुलासे कर रहे हो यार आज के स्ट्रीम में, प्रिशा आंटी सब कुछ है। शुभम भाई क्या हाल चाल? अरे उनका तो भाई क्या ही बताएं यार, शुभम भाई तो मस्त रहते हैं। अभी देखो बोल रहे हैं आंटी लवर, कभी बोल रहे प्रिशा लवर, अब आप ही समझो कभी कुछ और है उनका, एक और जंक्शन वाला प्यार उनका। कृष्णा भाई मुझे स्मार्ट वॉच में खेलते नहीं आता, प्लीज़ कंट्रोल्स बता देना भाई। ओके सामिल भाई सही में यार आपकी याद करते रहते हैं, वैसे सब बढ़िया। अच्छा, क्या बात है। 2202 चैट मिस, ओके लेट मी सी 2202 वॉच के अंदर विश्वा भाई को घुसेड़ दोगे क्या मॉडल्स बनाने बताओ बताओ यार, बताओ सौमिल भाई, वंशी भाई कुछ पूछ रहा है आपको, वॉच के अंदर विश्वा भाई को घुसा दोगे आप मॉडल्स बनाने को? गेम चला लेंगे उसमें, मॉडल्स कैसे बनेंगे ऐसे अच्छे मॉडल्स? विश्वजीत भाई को सीधा वॉच के अंदर डाल दोगे आप? बताओ, आपकी याद करते रहते हैं वैसे सब बढ़िया। ओके आप तो शुभम भाई रहने दो, कोई बातें आपसे सीखे यार, बातें करना आपसे सीखे सही में है, सामने वाले को बोलने नहीं रहते हो। ये सुन के बहुत अच्छा लगा, 2202 चैट में सांप पढ़ लिया वंशी भाई, अभी बता पूछ भी लिया मैंने सौमिल भाई से क्या हाल है उसका, क्या हाल है, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। अरे
शुभम भाई है ही ऐसे, उनके बात सुन के अच्छा लगना ही चाहिए। ऐसे बात करते सामने वाला कुछ बोल नहीं पाता उसके बाद, सही में ऐसे है उनके पास वो पिकअप लाइन, पूरा लाइन मार रहे आंटी को। अरे योगेश भाई ये तो यार कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा ये क्या बात हो गया यार, AI कोलिजन, मेरा तो चल ही रहा है, कोई इमू टकरा गई, ये तो सिनेरियो में गड़बड़ है यार। चलो कोई नहीं गाइस, यहाँ तक आ गए यही बड़ी बात है। चेंगलपट्टू तो क्रॉस कर लिए थे हमने, एक और कहीं जाके वो हो गया अपने पास। चलो ठीक है, आज का स्ट्रीम इधर ही कैंसिल कर ही लेते हैं हम लोग, कल मिलते हैं फिर कुछ और नए सिनेरियो के साथ। एक और सिनेरियो रिलीज़ हुआ है वैसे, तो तब तक के लिए बस यार, अब अगले स्ट्रीम में मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, एंड कल मिलते हैं। हाँ योगेश भाई यार, लॉ लोग यार देखो मेरे साथ क्या बताएं। अब मैंने मतलब यार सोचा कि सिनेरियो अच्छा चल जाएगा, पर बोलूँगा बत्री भाई को, देखो यार ये गड़बड़ हो रही है इसमें, वो करेक्ट करके दे ही देंगे। ठीक है, कल एक और सिनेरियो के साथ आऊँगा, कोई अच्छा वाला, देखते हैं कौन सा है, अभी देख लेते हैं। नहीं कोई नया रिलीज़ हुआ होगा इसमें, कैन नॉट करेक्ट। अरे यार चलो कोई नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुआ है इसमें, देखा जाएगा, कल आ जाऊँगा। ठीक है, और उसके लिए बेंटेन की तरह वॉच बनाएंगे, बेंटेन स्मार्ट, हाँ जिसमें से वो ना पूरा नए नए कैरेक्टर्स भी निकलेंगे। नहीं लॉल हो गया, अरे हाँ यार क्या बताऊँ, लॉल हो गया। कल वाला अच्छे से खेलेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। वैसे आज प्लान मेरा चंगलपट्टू तक ही था, पर लोग आए, हंसी मजाक चल रहा था, तो सोचा थोड़ी देर और चला ही लेते। वैसे एक और काम कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर आपको एक रूट देखना है ना नया वाला, वो खेल सकते हैं हम लोग। बोलो देखना चाहोगे? एक वो जो रूट जिस पे मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, अगर देखना है तो बताओ, वो थोड़ी देर ऐसे फ्री राइड जैसे खेलेंगे कुछ देर के लिए। रुको इससे नहीं, ये यार ये बंद करो थोड़ी देर, क्लोज विंडो, ये रहने दो, इधर आते हैं। अरे रुको, है ना आंसर, हाँ ये गुड नाइट चप्पू वाला। अच्छा चप्पू वाला, क्या बात है चप्पू वाला। रुको थोड़ा कंटेंट वगैरह कुक करते हैं, बस कुछ 10 मिनट करेंगे फिर उसके बाद एंड करूँगा। ये लॉल हो गया यार, सही नहीं हुआ, ये कांड हो गया अपने साथ। बताऊँगा बत्री भाई को, अभी टैग करके बता ही देंगे उनको भी। अभी एक और कुछ मज़ेदार चीज़ दिखाऊंगा 10 मिनट के लिए, फिर निकल जाएंगे यार। वो ठीक से एंड नहीं हुआ यार स्ट्रीम, कुछ भी बताओ यार आप। ये और इसमें हम चलाएंगे क्या चलाएं, क्या चलाएं, जार्विस इसके साथ नहीं है, नहीं रुको, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये चाचा गया कहाँ वो, मैंने तो कंसिस्ट भी बना दिया था यार इसका। कोई नहीं एक और बना देंगे, यही सही है फर्स्ट लाइन। यहाँ से नहीं, चलो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक जाएंगे, बस कहीं पे बीच में रोक देंगे यार, दिक्कत नहीं है ऐसे। चलो अभी थोड़ा सा अलग चीज़ चलाएंगे हम लोग। गुइया के खेत में गया, क्या गया गुइया के खेत में, चप्पू वाला, आपको पोहे वाला बोलते हैं, वो सही रहेगा। नहीं पोहे वाला आपके लिए मैच भी होता है। एक सेकेंड ये मुझे देखने दो कि ये मिलेगा कहाँ पे। इंडियन सेट कुछ ऐसे मैंने बनाया है इसका, इंडियन सेट ये रहा, ये चलाएंगे हम लोग। इसको करेंगे 4, ठीक है 4 बजे निकलेंगे कंफर्म। स्प्रिंग, चलो स्प्रिंग ही ठीक है यार, नहीं स्प्रिंग नहीं, समर ही रहने देते हैं। नहीं क्लियर है वेदर, और चलो भाई एक छोटी सी सजेशन, डिस्क्रिप्शन में पीसी का स्पेक्स डाल। हाँ वंशी भाई मैं भी सोच रहा था, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं आजकल, तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में एडिट करके डालने वाला हूँ, वो मैंने भी सोचा था, सही कहा आपने, ये कर दूंगा मैं, नो प्रॉब्लम्स।
थैंक्स फॉर द सजेशन, वैसे सही में डालने वाला था, मैं डालने वाला हूँ उसको वापस से। प्रिशा और शुभम गए गुइया के खेत में, क्या बात है। हाँ क्या बात है योगेश भाई, सही में। शुभम भाई कुछ आप बोलना चाहते हो उस पर, कुछ दो दो लव्ज हो जाए इस पर, है नहीं? बिगिन सर्विस, ओके वी आर बिगिनिंग आर सर्विसेस। तो ये रहा आज का। यार इसको चलाने में ना मज़ा आएगा। देखो अभी क्या करना है हमको इसको, हाँ पहले ये ऑफ करो DRA, ठीक। अभी इसके बाद इसको डालो 1 पे, ये गियर है कुरन भाई। ये आप ये देखो, इसमें गियर्स है, सही में गियर्स है इसमें, जैसे हम बोलते हैं ना गियर, इसमें ये गियर रहा। और यहाँ पे शायद मुझे रिलीज़ करना होगा ब्रेक को, नहीं ये नहीं, ये रहा ब्रेक। अरे यार ब्रेक कहाँ, ये अरे चाचा ब्रेक किधर गया? ओहो भाई क्या हो गया इसके साथ, ब्रेक क्यों नहीं रिलीज हो रहा है? ये तो हो गया, ये हॉर्न है। हाँ ये रहा ब्रेक, देखो ब्रेक रिलीज कर लिया। अभी इसको थोड़ा सा डाउन कर दे ताकि स्पीड पकड़ ले ये, थोड़ा सा डाउन, बस सही है ना? हाँ सही है। अभी चला ट्रैक देख लो, हेडलाइट्स ऑन करें इसका। गुड मॉर्निंग, ये तो दो लुफस आपके लिए, गुड नाइट। अरे अरे चाचा मेरे आगे कोई कुछ नहीं बोलता। अरे सही में यार आपने बोलने लायक नहीं छोड़ा उन्हें। आप बैठो शुभम भाई, कहाँ गुड नाइट बोल दिया आप। ये लाइट्स हैं, ये क्या है यार, वार्निंग सायरन नहीं चाहिए, कैब लाइट चलो ऑन कर लिए, ये चाहिए क्या? नहीं जाने दो। इंस्ट्रूमेंट लाइट, हाँ ये ठीक है ऑन रहने दो। ये क्या, स्पॉट लाइट्स, ये रहा कैब वन। अच्छा, कैब वन, ओके कैब वन, ओके। यार भाड़ में गया ये, नहीं ऑन तो हुआ है शायद। हाँ ये रहा स्पॉटलाइट, हेडलाइट भी ऑन करता हूँ, रुको ये हुए हेडलाइट्स ऑन। ऑन करने में हालत ख़राब होगी, देखो नींद आ रेला है मेरे को। अच्छा इतने जल्दी कैसे, ये ड्रामे कर रहे, बिल्कुल ड्रामेबाज है यार, सही में बता रहा हूँ ये ड्रामेबाज ही है ये। अभी देखो नींद आ रेला, इतने जल्दी ये कहाँ सोने वाले हैं बताओ। यार भूल जाता हूँ यार, अगली बार बता देना, अगली बार बता देना भाई लोगों। ये देख लो अभी, ये क्या लग रहा है? नहीं यार ज़रूर बताना देखने में कैसा लगा ये। कैंपिंग कोच ट्रैक मशीन आयोजन, ये देखो नींद सबको आ रहा है पर सोने का नहीं। बिल्कुल यार कैसे मन करता है यार इतने जल्दी सोने का, आप बताओ मुझे यार एक बार, कैसे ही करता है लोग। ये तो नहीं सोने वाले, अरे शुभम भाई का मुझे पता है वो नहीं सोने वाले इतने जल्दी, इतना तो मैं जान चुका हूँ। अभी सिर्फ नाटक चल रहा है इनका और कुछ नहीं। ये देखो इधर का व्यू है, ये क्या सही है ना व्यू इधर अंदर से। अभी थोड़ा ये बढ़ा देते हैं, गलती से ऑफ हो गया था यार मेरे से ये। ज़रूर बताना नज़ारा कैसे लगा ये। योगेश भाई ये कैसे लगा ये व्हीकल, कुछ अलग सा है ये? बस कुछ देर चलेंगे और फिर एंड कर दूंगा,
क्योंकि वो पुराना स्ट्रीम ठीक से नहीं चला यार, एंड में लॉल हो गया था। इसमें काम करेंगे, हाँ यहाँ तक चलें। चलो हल, क्या नाम है इसका, हल्टा, हल्टा आर्कस। चलो हल्टा आर्कस तक चलते हैं। चल ही नहीं रहा यार हॉर्न इसका। थोड़ा सा ना साइड लाइट्स पे ऑन करते, रुको, ये और ये, अभी देख लो साइड में भी लाइट, लाइट ही लाइट है अपने पास तो। ये देखो साइड में, कोरोन भाई समझे कौन सा है। योगेश भाई पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप परचेस कर पाओगे। एक बार अकाउंट बना दो यार, कोई बड़ी बात नहीं है, एक ईमेल आईडी डाल दो, अकाउंट बना दो, फिर आप सीधा परचेस ही कर लो। बस परचेस करते वक्त ना नोवा प्ले से करना, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब सही मेथड है इसमें। मतलब ज़्यादा ट्रांजैक्शंस ना ये नहीं होते, उल्टे सीधे सही आते हैं ट्रांजैक्शन। काफ़ी छोटी ट्रेन है यार, चलो मेंटेनेंस ट्रेन है, और कितना ही बड़े करोगे। गैस नज़ारा कैसा ज़रूर बताना, ऐसे अकाउंट कैसे बनता है बताओ। एक काम करो, स्टीम ऑनलाइन पे जाओ, गूगल क्रोम पे खोलो स्टीम, उधर लॉग इन होगा, लॉग इन के नीचे साइन इन होगा, साइन इन क्लिक करो, ईमेल आईडी डालो, पासवर्ड डालो, वो फिर आपको अकाउंट आपको वो करा देगा उधर इनिशियलाइज, ठीक है। उसके बाद उधर ही रहना, उधर से बाई बाई नाउ का ऑप्शन आएगा गेम नेम के बाद, फिर बाई कर लो, फिर आपको वो बाई भी हो जाएगा। उसके बाद तो क्या मज़े दी मज़े हैं, जैसे पीसी आएगा डाउनलोड करके खेल लो, इजी है, हार्ड नहीं है। जी योगेश भाई आप कोशिश करना, अगर नहीं हुआ ना तो मुझे एक बार कांटेक्ट कर देना, हम बता देंगे आपको, मैं कोरोन भाई या कोई भी, हम लोग बता देंगे आपको, ठीक है। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर लो आराम से। क्या लग रहा है ना ये, क्या मस्त लग रहा है, देख लो। नहीं नहीं भाई, मैंने योगेश भाई मैंने नहीं बनाया, मैं शुभम भाई के डिस्कॉर्ड पे ही मतलब रहता हूँ हमेशा, अब उनके डिस्कॉर्ड से हम काम चला रहे हैं देखो, क्योंकि ऐसे सर्वर बना के भी क्या फ़ायदा बताओ। आराम से बना देंगे, कुछ दिनों बाद प्लान है,
पर फिलहाल शुभम भाई के सर्वर पे ही बैठेंगे हम लोग, उसी में आ जाना, उसी में हम लोग सभी बातें करेंगे, सब कुछ उधर ही होगा। और उधर एक BRA करके बनाया हमने, उसमें करेंगे, ठीक है, भारतीय रेल एसोसिएशन करके, उसमें आ जाओ। सिमुलेशन के लिए बनाया हमने, और उधर बैठ के बातें करेंगे खूब। हेलो यूनिक भाई, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, अच्छा लगा आप आए। आज स्वाधीन भैया आज एक सिनेरियो खेल रहे थे, बीच में रुक गया, उसके बाद अभी थोड़ी देर के लिए ये रूट पे चला रहे हैं ऐसे ही ओवरव्यू के लिए। इस पे बहुत वीडियोस बना के डालता था ना, तो सोचा एक बार लाइव पे भी दिखा दूँ ये रूट, तो पैकिंग मशीन के साथ चला रहे हैं। हाँ स्वाधीन भैया आ गए, पर स्ट्रीम पे नहीं आए, ठीक है कोई बात नहीं, बिजी होंगे यार, कोई बात नहीं, चलता है इतना। वैसे स्ट्रीम भी चेंगलपट्टू तक ठीक रहा, उसके बाद तो आपने देखा ही AI ने कैसे कोलाइड किया। अरे कोई AI बीच से कोलाइड कर रही है उधर कहीं एंड में, पता भी नहीं हो कौन सा AI है, शायद वही है, योगेश भाई एक मेमोरी रुकी थी ना उधर, शायद वही मेमोरी है जिसकी वजह से ये सब हुआ आज। अगर वो मेमो नहीं होती ना तो सब ठीक रहता। ऐसे ये भी भाग रहा है, देखो कैसे तेजी से भाग रहा है, एक नंबर। इधर आ गए, एक स्टेशन आ रहा है इधर, बुडोक हिमलिनिया। ये रूट कैसा लगा वैसे योगेश भाई? इस पे मैं वीडियो डालता हूँ ना, वही रूट है ये, वो वैप 7 इनक सीनिक सेक्शन वो सब, वो इसी रूट पे बनाता हूँ मैं, तो सोचा आप सभी के लिए एक बार ये रूट कर दो ओवरव्यू के लिए। एक दिन इसका अलग स्ट्रीम करेंगे, शुरू से एंड तक पूरा सिनेरियो बना दूंगा, उसमें चलाएंगे, फॉरेन रूट है पर इंडियन ट्रेन चलाएंगे इसमें। आज फिलहाल ये एड ऑन के साथ, ये देख लो ये एड ऑन है, ऑन ट्रैक प्लांट। ये देखो घर के ऊपर से देखेंगे, बस रुकी है वो, देखो अपना ऑन ट्रैक प्लांट। बहुत ही अच्छी है, एक दिन ना इस पे हम स्ट्रीम करेंगे आराम से, शुरू से एंड तक, मजा आएगा आप सभी को। बहुत मेहनत से बनाए इस बंदे ने भी ये रूट को, ये देखो सभी चीजें, ट्रैक्स, ऑल्दो अपना नहीं है पर अपने जैसा ही लगता है ये रूट। चलो ऑन ट्रैक प्लांट को कर दिया बंद, ये अपना ऑन ट्रैक प्लांट है, इसको बंद कर दिया। ये भी कैसा लगा जरूर बताना योगेश भाई, ये जो यूनिट है, ये जो लोको है अपना, ये वाला ऑन ट्रैक प्लांट जिसको हम इधर टैम्परिंग मशीन बोलते हैं, टैम्परिंग मशीन ही है ये। ये रहा स्टेशन बुडोक, कुछ है गाड़ी उधर रुकी है, ये देख लो कुछ एक स्टेशन का टूर है ये। ये कुछ कंटेनर्स बॉक्सन जैसे कुछ है इधर, स्टैटिक्स प्लेस के ये कुछ ऐसे, कुल मिला के ये रूट है देख लो, बहुत ही प्यारा रूट है यार, बहुत प्यारा है। चलो इस पे भी एक दिन अलग से लाइव करेंगे हम लोग, अभी फिलहाल आपको एक सिर्फ ओवरव्यू ही दिया मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं किया, एक बार इस पे भी लाइव करेंगे हम लोग आराम से, ठीक है। चलो इसी के साथ आज का हम लाइव एंड करते हैं, वापस जल्दी आऊँगा दूसरे लाइव के साथ, किसी एक अच्छे सिनेरियो खेलेंगे, ठीक है। सो थैंक यू योगेश भाई ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आप आए, आपको कुछ भी डाउट होगा ना तो आप ज़रूर टेक्स्ट कीजिए। थैंक यू यूनिक भाई, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग, वंशी भाई, शुभम भाई, सौमिल भाई, कुरन भाई, अपने सभी लोग, गौतम भाई जिन्होंने भी ज्वाइन किया, अर्नब भाई भी थे जिन्होंने भी ज्वाइन किया, सबके लिए यार बहुत बहुत थैंक यू आने के लिए। जल्दी एक और लाइव के साथ आऊँगा, तब तक के लिए स्टे सेफ।